नृप, इस प्रकार से कर्म से तीर्थों में स्नान करके और संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके धीरे धीरे वह शुद्ध देह वाला हो गया था। वह भार्गव राम शंभु भगवान के शासन से इस रीति से पृथ्वी की परिक्रमा देकर फिर वह उसी भूभाग पर पहुंच गया था जहां पर कि वह प्रथम समय में निवास करता था। हे राजन, वह वहां पर जाकर स्थित हो गया था और तप तथा नियमों के द्वारा भक्ति भाव से उमा के पति देवेश्वर का भले प्रकार से पूजन किया था। उसी समय में हे राजन, देवों का असुरों के साथ बहुत समय तक बड़ा ही भीषण रोमहर्षण युद्ध हुआ था। इसके पश्चात महान बलशाली असुरों ने सब देवों को युद्ध में पराजित करके संपूर्ण जो देवों का ऐश्वर्य था उसको ग्रहण कर लिया था और फिर वे निर्भीक होकर रहने लगे थे। उस युद्ध में सब इंद्र आदि देवगण पराजित हो गए थे और शत्रुओं के द्वारा अपहृत वैभव वाले सब भगवान शंकर की शरणागति में प्राप्त हुए थे। उन देवगणों ने जगत के नाथ भगवान पिनाकी को प्रणाम, जय और संस्तवनों के द्वारा प्रसन्न कर लिया था और फिर उन्होंने भगवान शंकर से असुरों के हनन करने के लिए प्रार्थना की थी। इसके अनंतर हे नृप, उन दानवों के वध के लिए प्रतिज्ञा कर देवों को वरदान प्रदान करने के लिए भगवान शंभु ने महोदर से कहा था, हिमवान पर्वत के दक्षिण भाग में एक राम नाम वाला महान तपस्वी है। वह मुनि का पुत्र बहुत ही अधिक तेजस्वी है जो कि मेरा ही उद्देश्य लेकर तप करता है। वहां आज ही जाकर तुम मेरे आदेश को उससे कह दो। हे महोदर, उस तपश्चर्या करने वाले को यहाँ पर ले आओ और इस कार्य में विलंब मत करो। इस प्रकार से आज्ञा पाया हुआ वह महोदर, मैं ऐसा ही करूँगा, यह कहकर और ईश को प्रणाम करके वायु के समान अति तीव्र वेग से वहां पर चला गया था जहां पर राम व्यवस्थित था। उस देश में पहुंचकर उसने महामुनि राम का दर्शन किया था। वह तपस्या कर रहा था। उससे परम विनयी होकर उसने यह वाक्य कहा था, शंभु प्रभु आपको देखने की इच्छा करते हैं। उनकी आज्ञा से भृगुवर्या आपके समीप से मैं आया हूँ, सो अब आप उनके चरणों की सन्निधि में चलिए। भार्गव ने उस महोदर के इस वचन का श्रवण करके वह बहुत शीघ्र उठकर खड़ा हो गया था। भगवान शंभु की आज्ञा को सिर पर धारण करके उस आदेश का अभिनंदन करते हुए मैं अभी चलता हूँ, यह उसको राम ने उत्तर दिया था। इसके पश्चात महोदर ने राम को बहुत ही शीघ्रता से शंभु के समीप में प्राप्त कर दिया था और सहसा कैलाश पर्वत के परम श्रेष्ठ भाग में दिया था। वहां पर भार्गव ने समस्त भूत और इंद्र आदि देवों के सहित भक्त वत्सल शंकर का दर्शन किया था। वहां पर भार्गव ने देखा था कि बड़े बड़े तपोधन नारद आदि मुनिगण उनका संस्तवन कर रहे थे। गंधर्व गण गान अर्थात भगवान के गुणों का गायन कर रहे थे तथा अप्सरा उनके मनोविनोद के लिए समक्ष में नृत्य कर रही थी। सभी जन वहां पर देवेश्वर की उपासना में संलग्न थे। शंभु गज के चर्म को धारण किए हुए थे और उनके समस्त अंगों में भस्म लगी हुई थी जिससे उनका शरीर धूलित हो रहा था। तीन नेत्रों के धारण करने वाले शिव के मस्तक में चंद्रमा विराजमान था। भगवान पिंगल वर्ण की जटाजूट का भार शिर पर धारण किए हुए थे और नागों के आभरणों से उनके अंग विभूषित थे। उनका वपु परम सौम्य था तथा उनके ओष्ठ और भुजाएं लंबी थी और उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था। हे नृप, उस देवों की परिषद में शंभु सुवर्ण के पट पर विराजमान थे। हाथ जोड़े हुए राम देवेश्वर के समीप में प्राप्त हुआ था। भगवान श्री कंठ के दर्शन से आहलदातिरेक से राम का संपूर्ण शरीर रोमांचित हो गया था और आनंदश्रुओं से उसका शरीर सिक्त हो गया था। ऐसी दिशा में परमानंदित होते हुए राम भगवान शंभु के समीप में उपस्थित हुआ था। भक्ति भाव से संभ्रम के साथ हर्ष से गदगद वाणी के द्वारा व्याकुल अक्षरों में शंभु से बोले, हे देव, आपके लिए मेरा प्रणाम निवेदित है। भगवान त्रिपुरारी प्रभु के चरण कमलों को मस्तक से स्पर्श करते हुए उसने भूमि पतित होकर साष्टांग प्रणिपात किया था। समस्त देवों के समुदाय वहां पर देख रहे थे। उनके मध्य में उस भृगु कलोद्वय ने प्रणिपात किया था। भगवान शिव ने परम प्रसन्न होकर विकसित मुख कमल वाले उस राम को उठाया था और हंसते हुए परम मधुर वाणी से आदर पूर्वक राम से कहा था, ये सब देवों के समुदाय दैत्यों के द्वारा समाक्रांत हो रहे हैं और ये सब अपने निवास स्थान से परिच्युत कर दिए गए हैं। बिचारे ये देवगण उनका हनन करने की सामर्थ्य न रखते हुए ही इस समय मेरे समीप में समागत हुए हैं। इसलिए हे राम, मेरी आज्ञा से और सब देवों के प्रिय कार्य करने की इच्छा से समस्त दैत्य गणों का आप हनन कर डालिए। आप इस कार्य के संपादन करने के लिए समर्थ हैं, ऐसा मेरा मत है। इसके उपरांत राम ने भगवान शंभु को प्रणाम करके
दोनों अपने करों को जोड़कर समस्त देवों के सामने उनके श्रवण करते हुए विनय पूर्वक यह वचन भगवान शंभु से कहे थे। हे स्वामिन, आप तो सर्वज्ञ हैं और सबकी आत्मा हैं, क्या आपको यह विदित नहीं है? तो भी विज्ञापन करते हुए मेरे यह वचन को अब धारण कीजिए। यदि इंद्र आदि समस्त देवों के द्वारा देवों के शत्रुगण दैत्य लोग मारे नहीं जाते हैं, तो मुझ एक के द्वारा वे सब कैसे मारे जा सकते हैं? हे देवेश, मैं तो अस्त्रों के विषय में अभी भी अज्ञ हूँ और युद्धों को करने में भी पंडित नहीं हूँ। बिना ही आयुधों वाला मैं किस तरह से समस्त देवों के शत्रु असुरों का अकेला हनन करूँगा? उस राम के द्वारा इस रीति से कहे गए देवेश्वर शंभु ने कालग्नि के समान प्रभाव वाले सिद्ध अब अस्त्रों से परिपूर्ण शैव तेज उस महान आत्मा वाले को दे दिया था। उन्होंने सब शस्त्रों के अभिभावक अपने परशु को प्रदार कर प्रसन्न आत्मा वाले शिव ने समस्त देवगणों के सुनते हुए उस राम से कहा था, हे सौम्य, मेरे प्रसाद से समस्त देवों के शत्रुओं का हनन करते हुए तुम्हारे अंदर ऐसी ही शक्ति हो जाएगी जो अब अरियों के दुरासत अर्थात अतीव असहाय होगी। इसी एकमात्र आयुध को ग्रहण कर तुम चले जाओ और सब शत्रुओं के साथ युद्ध करो। तुम अपने ही आप स्वयं यथारीति से युद्ध करने के कौशल को जान जाओगे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस तरह से जब भगवान शिव के द्वारा राम से कहा गया तो उसने शंभु को प्रणाम किया था और देवों के शत्रुओं के वध करने के लिए उद्धत होते हुए उस परशु का ग्रहण कर लिया था। इसके अनंतर भगवान विष्णु के तेज के अंश से समुत्पन्न वह राम बहुत ही शोभा युक्त हो गया था, जो रुद्र की शक्ति से समन्वित था। वह सूर्य की धुति से दिन के ही समान दीप्यमान हो गया था। वह राम त्रिनेत्र प्रभु के द्वारा अनुज्ञा प्राप्त कर सब देवों के साथ ही युद्ध करने के लिए निश्चय करते हुए असुरों के हनन को वहां से चल दिया था। हे राजन, इसके पश्चात संपूर्ण त्रैलोक्य की विजय करने के लिए सम्यधुत उन असुरों के साथ देवगणों का महान भयंकर युद्ध फिर हुआ था। इसके उपरांत महान बाहुओं वाले राम ने उस महान दारुण युद्ध में क्रुद्ध होकर उसी परशु से बड़े बड़े असुरों का हनन किया था। वज्र के सदृश प्रहारों से सहस्त्रों दैत्यों का संहार करते हुए राम ने परम क्रोधित होकर दूसरे काल के ही समान उस युद्ध क्षेत्र में संचरण किया था। प्रहार करने वालों में परम श्रेष्ठ राम ने समस्त दैत्यों का हरण करके एक ही क्षण में सुर शत्रुओं का नाश कर दिया था और देवों को परम हर्षित कर दिया था। राम के द्वारा मारे जाते हुए सब दैत्य और दानवों ने जो कुछ भी मरने से बच गए थे बहुत भय से युक्त होकर सभी और राम को ही देख रहे थे। समस्त असुरों के समुदाय के निहत हो जाने पर और वहां से पूर्णतया सबके भाग जाने पर देवगणों ने राम को आमंत्रित किया था और वे सब फिर स्वर्ग लोक को चले गए थे। राम भी दैत्यों का पूर्णतया निहनन करके सब देवों की अनुज्ञा प्राप्त करके तपश्चर्या में आसक्त मन वाले होते हुए अपने आश्रम में प्राप्त हो गए थे। उस महामती राम ने भगवान शंभु की मृगों के हनन करने वाले व्याध की ही प्रतिमूर्ति बनाकर उसी वशी ने उसी आश्रम में बहुत ही भक्ति के भाव से उसकी पूजा की थी। पूजन पुष्प गंध सुंदर नैवेद्य अभिनंदन और स्तोत्रों के द्वारा विधि पूर्वक किया गया था और परमाधिक प्रीति की प्राप्ति की थी। परशुराम द्वारा द्विज सुत रक्षण। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके अनंतर उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न आत्मा वाले जगत के स्वामी समस्त मरुद्गणों के सहित उसके समक्ष में प्रत्यक्ष रूप में हो गए थे। तीन नेत्रों के धारण करने वाले चंद्रशेखर और वृषभेंद्र के वाहन वाले और करोड़ों भूतगणों से समन्वित देवों के भी देवेश्वर भगवान शंभु का राम ने दर्शन किया था। शंभु का दर्शन प्राप्त होते ही अत्यंत हर्ष से समाकुलित लोचनों वाले राम ने संभ्रम के साथ उठकर भूमि में पड़कर भक्ति भाव से भगवान शर्व के लिए प्रणाम किया था। बारंबार उठ उठकर शिर के बल से अनेक बार प्रणाम करके उन जगत के स्वामी देवेश्वर को हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की थी। राम ने कहा, हे परमेश्वर, आप तो देवों के भी देव हैं, आपकी सेवा में मेरा बार बार प्रणिपात है, आप तो जगत के नाथ हैं। हे त्रिपुरासुर के हनन करने वाले, आपके लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। हे भक्तों पर प्यार करने वाले, आप तो इस संपूर्ण विश्व के अध्यक्ष हैं, आपकी सेवा में मेरा अनेक बार प्रणाम स्वीकृत हो। हे सब भूतों के स्वामिन, हे वृषभध्वज, आपके लिए मेरा प्रणाम है। हे करुणा निधि, आप तो सबके अधीश हैं। हे नील लोहित, आप सब में निवास करने वाले हैं, आपकी चरण सेवा में मेरा बारंबार प्रणिपात स्वीकार हो। हे शंभो, आप समस्त लोकों के एक ही पालन करने वाले हैं, ऐसे कपास के धारण करने वाले
और समस्त देवों के शत्रुओं के विनाश के लिए शूल के धारी आपके लिए मेरा प्रणिपात स्वीकृत हो। शमशान भूमि में निवास करने वाले तथा कैलाश पर रहने वाले आपके लिए नित्य ही मेरा प्रणाम है। पाश के धारी तथा महान कालकूट विष के अशन करने वाले आपके लिए मेरा प्रणाम है। विभव में देवों के द्वारा वंदना करने के योग्य और प्रभाव में स्वयंभू तथा संपूर्ण जगत के कर्मों के साक्षी स्वरूप शंभू के लिए मेरा नमस्कार है। त्रिपदगा के फेनों के आभास वाले अर्धचंद्र के मस्तक पर धारण किए हुए तथा महान सर्पों के हार से भूषित परमात्मा भगवान शिव के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शमशान की भस्म से संचन देह वाले सूर्य और चंद्र अग्नि के धारण करने वाले चक्षुओं से समन्वित कपर्दी और अंधकासुर के मर्दन करने वाले आपके लिए मेरा बार बार प्रणाम स्वीकृत हो। त्रिपुरासुर के विध्वंस करने वाले तथा प्रजापति दक्ष के महान यज्ञ ध्वंस करने वाले और गिरिराज की पुत्री गौरी के स्तनों पर लगी हुई केसर के आश्लेष में विशेष रंजित महान उरस्थल वाले प्रभु के लिए मेरा नमस्कार है। गज चरम के धारी योगी जनों के द्वारा ध्यान करने के योग्य स्वरूप वाले न चिंतन करने के योग्य तेज से समन्वित महान महादेव के लिए मेरा नमस्कार है। अपने भक्त जनों के हृदय कमलों की कर्णिकाओं के मध्य में विराजमान रहने वाले और समस्त आगमों के सिद्धांत स्वरूप वाले भगवान शंकर के लिए प्रणिपात है। समस्त योगेंद्रों को बोध देने वाले अमृतात्मा सबसे व्याप्त महिमा वाले परमात्मा भगवान शंकर के लिए नमस्कार है। परम शांति स्वरूप विश्व के रूप वाले ब्रह्मा आदि मध्य और अंत से रहित नित्य और अव्यक्त मूर्ति से समन्वित भगवान शिव के लिए मेरा अभिवादन है। व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाले तथा स्थूल और परम सूक्ष्म रूप वाले शंभु के लिए मेरा प्रणाम है। वेदांत शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के योग्य और विश्व के विज्ञान रूप के धारी शिव के लिए नमस्कार है। समस्त सुरगण और असुरों के मस्तकों में संलग्न पुष्पों से मस्तकों को चरण कमलों में झुकाने पर समर्चित पदों वाले जगत के धाता और सब लोगों की रचना करने वाले भगवान श्रीकंठ के लिए बारंबार नमस्कार निवेदित है। इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि की रचना करने वाले रजोगुण के स्वरूप से संयुक्त इस जगत के आदि स्वरूप हिरण्यगर्भ रूप भगवान हर के लिए नमस्कार है। संपूर्ण लोकों की स्थिति के वास्ते व्यापार करने वाले सत्व विज्ञान के स्वरूप से समन्वित प्रत्यगात्मा पर और विश्वात्मा के लिए मेरा प्रणाम निवेदित है। तमोगुण के विकार रूप वाले इस जगत के संहारकर्ता कल्प के अंत में रुद्र रूप वाले और पर तथा अपर के ज्ञाता भगवान शंकर के लिए नमस्कार है। विकारों से रहित नित्य सत और असत रूप वाले बुद्धि की बुद्धि के प्रबोध रूप तथा बुद्धि और इंद्रियों में विकार करने वाले शंभु के लिए प्रणाम है। वसु आदित्य और मगधगणों से तथा साध्य रुद्र और अश्विनी कुमार इनके भेदों से देवगण भी जिसकी माया से भिन्न मति वाले होते हैं उन परम देव शिव के लिए नमस्कार है और पुनः नमस्कार है। आपके जिस विकार से रहित अजन्मा नित्य और अनुपम सूक्ष्म स्वरूप को सदा अमल योगी जन भी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा आदि भी दुख से जानने के योग्य आपको न जानकर निश्चय ही इस संसार में संसरण किया करते हैं और तत्कर्मक चिरकाल तक नहीं रहते हैं। अज्ञान के विघात करने वाले आपके जब तक चरण कमलों की प्राप्ति नहीं करता है अर्थात आपके चरणों का समाश्रय नहीं ग्रहण करता है तब तक चाहे कोई पंडित हो अथवा अज्ञानी हो इस संसार में भ्रमण किया करता है। इस भूमंडल में वह ही परम दक्ष है कृति है मुनि है और वही महान पंडित है जिसने आपके चरण कमलों में अपनी बुद्धि को स्थिर करके लगा दिया है। आपका त्रयीमय सद्भाव परम सूक्ष्म होने से अत्यंत गहन है और बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अतीव गहन होता है। वह आपका सद्भाव महामूढ़ मेरे द्वारा कैसे जाना जाता है। इस समय में आपकी महिमा शब्दों के द्वारा गोचर न होने के कारण जड़ बुद्धि वाला आपकी भली भांति से स्तुति करने में भी असमर्थ हूँ। इससे अज्ञान से मैंने केवल भक्ति के भाव से ही आपकी संस्तुति की है। हे देवेश्वर आप मुझ पर प्रीतिमान हो जाइए क्योंकि आप तो अपने भक्तों पर प्यार करने वाले हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा इस प्रकार से राम के द्वारा भक्ति की भावना से उस समय में स्तुति की गई थी। तब भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान परम गंभीर वाणी से उससे बोले थे। भगवान ने कहा हे राम आपकी शौर्यशालिता से मैं आप पर बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। आपकी तपश्चर्या से मेरे अंदर अनन्य भक्ति के भाव से और विशेष रूप से आपके द्वारा किए गए स्तोत्र से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। इस कारण से आप किसी वरदान का वरण कर लो जो जो भी आप अपने चित्त से चाहते हो वही मैं आपको पूर्ण रूप से सभी कुछ दे दूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा जब देवों के देवेश्वर ने
उस राम से इस रीति से कहा था तो उस भृगुकल के उद्वहन करने वाले ने उनके चरणों में प्रणाम किया था और हे राजन, उसने दोनों करों को जोड़कर प्रभु से यह कहा था, हे देवेश्वर, यदि आप मेरे ऊपर परम प्रसन्न हैं और यदि मैं आपके द्वारा वरदान देने के योग्य हूँ तो मैं आपसे उस हेतु को और संपूर्ण अस्त्रों को चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि अस्त्र विद्या में, शस्त्रों के ज्ञान में और शास्त्रों की जानकारी में कोई भी मुझसे अधिक ज्ञाता न हो। मैं यह भी चाहता हूँ कि आपके प्रसाद से लोकों में युद्ध में कोई भी जीतने वाला न हो। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान शंकर ने कहा था कि जो भी तुमने चाहा है सभी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसके उपरांत उन्होंने पूर्ण अस्त्र और शस्त्र भी हे नृप मंत्रों के सहित क्रम से परम प्रसन्न होते हुए राम के लिए प्रदान कर दिए थे। भगवान शंकर ने प्रयोग करने के और संहार करने के साथ चार प्रकार के अस्त्रों के समुदाय को प्रसाद से परिपूर्ण होकर राम को ग्रहण करा दिया था। भगवान शंकर ने असंग वेग से समन्वित शुभ रंग वाले अश्वों से युक्त और सुंदर ध्वजा वाले उत्तम रथ, धनुष और अक्षर शर राम के लिए दिए थे। एक ऐसा धनुष भी दिया था जो भेदने करने के अयोग्य, जीर्ण न होने वाला, परम सुदृढ़ ज्या वाला और विजय करने वाला था तथा सभी प्रकार के शस्त्रों के घात को सहन करने वाला परम अद्भुत महाधन संपन्न एक कवच भी प्रदान किया था। हे नराधिप, इसके अतिरिक्त भगवान शंकर ने उस अपने परम भक्त राम के लिए युद्धों में अजय होना, भूलोक में अनुपम शूर वीरता और अपनी ही इच्छा से प्राणों के धारण करने में शक्ति भी प्रदान की थी। उन प्रभु शिव ने भार्गव के लिए उसके नाम बीज मंत्र के द्वारा संपूर्ण लोक में होने वाली ख्याति और महान तप का प्रभाव दिया था। समस्त भूतगण और देवगण के सहित भगवान चंद्रशेखर ने हे राजन अपने में यथोचित होने वाली भक्ति भी राम को प्रदान कर दी थी। फिर उसी शरीर के द्वारा ही भगवान शिव शीघ्र ही अंतरहित हो गए थे। फिर वह राम भी अपना संपूर्ण अभिप्सित प्राप्त करके कृतकृत्य हो गया था। भगवान शंकर के अदृश्य हो जाने पर राम ने महोदर से कहा था, हे महोदर, इन वस्तुओं को पूर्ण रूप से आप मेरे लिए अपने अधिकार में रखिए। आप ही इन रथ और चाप आदि की परीक्षा करने के लिए परम योग्य होते हैं। जिस समय में इन समस्त सामग्रियों से मुझे कार्य होगा उसी समय में मेरे द्वारा आपका स्मरण किया जाएगा। तब रथ और चाप आदि सब सामान आप मेरे समीप में भेज दीजिएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, महोदर ने कहा था कि मैं इसी प्रकार से सब कार्य करूँगा। यह कहकर उस महोदर के वहां से चले जाने पर भृगुवर राम कृतकृत्य हो गया था और फिर उसने अपने गुरुजन के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा की थी। उस समय में गमन करते हुए आगे आने वाले कर्मों को करने के लिए प्रेरित होकर परम गहन हिमवान के वन में एक कंदरा थी, उसमें राम ने प्रवेश किया था। वहां पर उस राम ने एक ब्राह्मण के पुत्र को देखा था जो बालक अवस्था का था और एक व्याघ्र उसके पीछे आते हुए खदेड़ रहा था, जिसके कारण वह प्राण तो धारण किए हुए था किंतु अत्यंत डरे हुए की भांति रुदन कर रहा था। अपने हृदय में दया का भाव रखने वाला राम उसके परित्राण करने के लिए बहुत ही कातर हो गया था। उसने उस बालक के पीछे दौड़कर आते हुए व्याघ्र से बहुत ऊंची आवाज में ठहर जा यह कहते हुए वे उस व्याघ्र के पीछे चल दिया था। बड़े ही वेग से उसके पीछे प्रभावित होकर उस भृगुकल के उद्वहन करने वाले राम ने जैसे कुछ विलम्ब हो गया हो उस वन में अत्यंत भयानक और घोर उस शार्दुल के पास अपनी पहुंच कर ली थी। उस परम गहन गंभीर वन में जिसके पीछे व्याघ्र दौड़ा चला जा रहा था वह ब्राह्मण का पुत्र अपने प्राणों की हानि के भय से बहुत ही आतुर होता हुआ अत्यधिक डरा हुआ था और दौड़ते हुए वह वहां पर भूमि में गिर गया था। राम भी ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा की इच्छा से क्रोध से लाल नेत्रों वाला हो गया था और फिर उसने तृणमूल को ग्रहण कर कुशास्त्र से अभिमंत्रित किया था। उसी समय के बीच में उस बलवान व्याघ्र ने उस गिरे हुए द्विज पुत्र पर आक्रमण कर दिया था। उस दृश्य को देखकर राम ने अत्यंत अधिक ध्वनि भूमि और आकाश को कंपाते हुए की थी, अर्थात घोर गर्जना की थी जिससे मानो भूमि और अंतरिक्ष भी कंपित हो गए हों। अपने नखों के अंकुरों द्वारा प्रहार करते हुए व्याघ्र को अस्त्राग्नि से भस्मीभूत करके उस विप्र सुत को छुड़ा दिया था जिसके शरीर में शीघ्रता से कोई नाक के नखों से व्रण नहीं हो पाए थे। वह व्याघ्र ही महापापी ब्रह्माग्नि से दग्ध शरीर वाला आकाश में एक गंधर्व का शरीर धारण करके बड़े ही आदर के साथ राम से बोला था, हे राम, एक विप्र के शाप से पूर्व में इस तरक्षु के स्वरूप को प्राप्त करने वाला हुआ था। इस समय में आपके द्वारा उस शाप से छुड़ाया गया मैं अब स्वर्ग लोक में गमन कर रहा हूँ। इतना ही कहकर बड़े वेग से उसके चले जाने पर राम को बड़ा विस्मय हुआ था
और फिर दया के वशीभूत होकर वह उस भूमि पर पड़े हुए द्विज पुत्र के पास पहुंचा था। हे नृप, समीप में ही उस द्विज के पुत्र से डरो मत, यह वाणी बोलते हुए धीरे धीरे उसको उज्जीवित करते हुए उस बालक के अंगों को सहलाया। इस प्रकार से राम के द्वारा उठाए हुए उसने उस समय में अपने नेत्रों को खोला था। इधर उधर अवलोकन करते हुए उसने अपने सामने अवस्थित भृगुकुल में परम श्रेष्ठ राम को देखा था और अपने समीप ही भस्मीभूत शार्दूल को देखकर उस बालक को बड़ा भारी विस्मय हुआ था। जब उसका भय बिल्कुल समाप्त हो गया था तो उसने राम से कहा था, आप कौन हैं अथवा यहाँ पर आप कैसे समागत हुए हैं और मुझको मारने के लिए उद्यत ये शार्दूल किसके द्वारा निर्दग्ध करके भस्मीभूत कर दिया गया है? यह तरक्षु तो महाभीष्ण आकार वाला साक्षात दूसरे काल के ही सदृश था। हे महती मती वाले, अधिक भय के कारण समूढ़ मन वाले मुझे अभी भी उसके मृत हो जाने पर भी समस्त दिशाएं उसी से परिपूर्ण प्रतीत हो रही हैं, अर्थात सभी और मुझे वह ही दिखलाई दे रहा है। मुझे तो इस समय में ऐसा भान हो रहा है और मैं आपको ही अपना माता पिता, सुहृद और गुरु सब कुछ मानता हूँ, क्योंकि मैं तो परमाधिक आपदा में फंस चुका हूँ और आपने ही मुझको भली भांति जीवन दान दिया है। कोई एक महान तपस्वी शांत नामधारी श्रेष्ठ मुनि थे, मैं उनका ही पुत्र हूँ। मैं तीर्थाटन के प्रयोजन वाला शालग्राम के लिए गया था। वहां से मैंने फिर प्रस्थान किया था और मैं गंधमादन पर्वत के देखने की इच्छा वाला हो गया था। अनेक महामुनियों के समुदाय के द्वारा सेवित परम पुनीत बद्रिका आश्रम को गमन करने की कामना वाला मैं हो गया था। फिर हिमवान जैसे महाविशाल पर्वत में समुचित मार्ग को छोड़कर परम रम्य और प्रदेश के आलोकन में आकुल गहन वन में प्रवेश कर रहा था। पूर्व दिशा कर उद्देश्य करके एक कोश भर हो गया था। वहां पर भाग्य के वशीभूत होकर मैं भय से उत्पीड़ित होकर भाग दिया था। मैं फिर भूमि पर गिर गया था। आपने कृपा करके इस समय में फिर मुझे भूमि से उठाया था। दयालु आपने पिता की ही भांति मेरे पर कृपा की थी। जैसे पिता अपने पुत्र पर अत्यधिक प्रेम किया करता है, मेरा यही इतना वृत्तांत है जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से आपके समक्ष में कह दिया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजेंद्र, उस समय में इस प्रकार से उस विप्रसुत के द्वारा पूछे गए राम ने कहकर सुना दिया था। इसके अनंतर वे दोनों परस्पर में प्रीति से समन्वित होकर वार्तालाप करते रहे थे। अत्यधिक काल तक वहां न ठहर कर उसने गमन करने की इच्छा की थी। राम भी उसके पश्चात उसी के पीछे गमन करने वाला हो गया था और उस गुफा के मुख से निकलकर बड़े आनंद के साथ अपने माता पिता के निवास स्थान की ओर उसने भी प्रस्थान कर दिया था। व्याघ्र के द्वारा भूमि में गिरा भी दिया गया था तो भी उसके देह में कोई भी कहीं पर कोई व्रण नहीं था। उस विनिहनन करने वाले व्याघ्र से वह राम के द्वारा सुरक्षित हुआ था। हे राजेंद्र, इसी कारण से इसका नाम भूमंडल में प्रथित हो गया था। फिर उस विप्र के पुत्र का अकृत वर्ण ही नाम पड़ गया था। हे पार्थिव, तभी से लेकर आतप के पीछे गमन करने वाली छाया के ही समान वह भूमि में सभी प्रकार की अवस्थाओं में उसका अत्यधिक प्रिय मित्र हो गया था। हे राजन, भृगु की सन्निधि को प्राप्त करके वह उसी के साथ अनुगत हो गया था और ख्याति को देखकर वह सामने उपस्थित हुआ था तथा विनय के साथ उसने अभिवादन किया था। परम प्रीति से समन्वित उन दोनों के द्वारा वह आशीर्वचनों से अभिनंदित किया गया था। उसके प्रिय करने की अभिलाषा से उसने वहां पर कुछ दिन तक निवास किया था। इसके उपरांत उन दोनों की अनुमति से शिष्यों के समुदाय से समावृत महामुनि चैवन के आश्रम की ओर वह चला गया था। उस महान मन वाले ने अपने अंतःकरण को नियंत्रण में रहने वाले और परम शांत मन वाले उस महामुनि की तथा सुकन्या नामधारिणी जो उनकी भार्या थी उसकी वंदना की थी। परम प्रीति से सुसंपन्न उन दोनों के द्वारा राम का भली भांति अभिनंदन किया गया था। तब की निधि का दर्शन करने की कामना वाले उसने औरव के आश्रम को प्राप्त किया था। हे नृप, मेधावी राम ने उनका अभिवादन किया था और औरव महामुनि के द्वारा राम का अभिनंदन किया गया था। वहां पर उनकी प्रीति होने से वह कतिपय दिनों तक रहा था। फिर धीरे से आनंद के साथ उस मुनि के द्वारा राम की विदाई की गई थी और अकृत व्रण के ही सहित श्रीमान भार्गव ने वहां से प्रस्थान किया था। पिता के पिता माता के चरणों में पृथक पृथक वंदना की थी। हे नृप, उन दोनों ने उसका बड़े ही हर्ष से अभिनंदन किया था। फिर उन दोनों के द्वारा उदार बुद्धि वाले उसने अपना वृत्तांत पूर्ण रूप से पूछा गया था। हे राजेंद्र, जो कुछ भी जिस तरह से हुआ था वह अनुक्रम के साथ राम ने कहा था। वहां पर भी कुछ दिन तक स्थित रहकर फिर उनकी अनुज्ञा से परमानंद से संयुक्त होकर माता पिता के निवास स्थान को वह चला गया था। हे राजन, उस परमोत्तम आश्रम में माता पिता विराजमान थे। उनके सामने उपस्थित होकर भृगुनंदन ने उन दोनों के चरणों में यथोचित रीति से वंदना की थी।
उन्होंने अपने चरणों में मस्तक झुकाने वाले राम को आदर के साथ उठाकर आश्लेषण किया था और परमानंदित होते हुए अपने वात्सल्य के कारण आए हुए प्रेमाश्रुओं से उसका परिसिंचन किया था। आशीर्वादों के द्वारा अभिनंदन करके उन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया था और बारंबार उस अपने पुत्र के मुख का अवलोकन करते हुए उसके अंगों का परिस्पर्श करके परमाधिकानंद को प्राप्त हुए थे। उन दोनों ने राम से पूछा था, हे पुत्र, इतने लंबे समय तक आपने क्या किया था और यह दूसरा कौन तुम्हारे साथ में है तथा तुम कहाँ इतने समय पर्यंत रहे थे? किस प्रकार से तुम सकाश में साथ समास्थित हुए थे अथवा यहाँ पर कहाँ से इस समय में समागत हुए थे? हे वत्स, आपको हम दोनों के सामने जो भी सत्य सत्य हो वह सब बतला देना चाहिए। कार्तवीर्य का जमदग्नि आश्रम में आगमन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जब उस समय में इस प्रकार से राम से पूछा गया था तो उसने अपने दोनों करों को जोड़कर उन दोनों के समक्ष में वह संपूर्ण अपना घटित घटनाओं का इतिवृत्त कह दिया था। जो भी कुछ अपने द्वारा अब तक किया था, अपने कुलदेव की आज्ञा से अपनी तपश्चर्या का समाचरण तथा भगवान शंभु के निर्देश से यथाक्रम तीर्थों का पर्यटन जो किया था वह सभी कुछ निवेदित कर दिया था। फिर शंकर की ही आज्ञा से देवों की सुरक्षा करने के कारण से जो दैत्यों का वध किया था वह भी सुना दिया था। यहाँ पर भी भगवान हर के प्रसाद से ही अकृत वर्ग का दर्शन हुआ था। यह संपूर्ण पूर्णतया जो हुआ था वह और जो अपने द्वारा कुछ भी किया गया था वह सब परम प्रसन्न माता पिता के सामने राम ने कहकर सुना दिया था। उन दोनों ने राम के द्वारा कहा हुआ सब उसके कर्मों का विस्तार श्रवण किया था और परम प्रसन्न हुए थे। हे राजन, फिर वे दोनों एक दूसरे हर्ष को भी प्राप्त हुए थे। हे महाराज, इस रीति से उस भृगुकुल में परम श्रेष्ठ राम ने माता पिता की शुश्रूषा करते हुए पूर्णतया उनके प्रति अपने कर्तव्य का सविनय पालन किया था और अपने भाइयों की भी सेवा उसी भाव से उसने की थी। इसी समय में किसी वक्त हेहेश्वर चतुरंगिनी सेना के सहित मृग्या करने को गमन करने वाला हुआ था। अब उस बेला की अद्भुत छटा का वर्णन किया जाता है। उस समय में चारों ओर अरुण अंशुओं वाली तारागण की द्युति का हरण करने वाली बंदूक पुष्पों की अरुणता से आकाश मंडल संरिज्यमान हो रहा था। विकसित केतकी के वनों की पंक्तियों के द्वारा मत को समुद्भूत करते हुए तथा कुमुदों से युक्त सरोवरों का स्पर्श करने वाला प्रातःकाल का सुंदर एवं सुख स्पर्श वायु वहन कर रहा था। पक्षीगण उस समय में नर्मदा के तट पर उगे हुए तरुवरों के नीड़ों के आश्रमों में अपने समाकुल और मन तथा कालों को परम सुख प्रदान करने वाली वाणियां बोल रहे थे। नर्मदा का तट तीर्थ है, उस तीर्थ में उतरकर पापों के हरण करने वाले उस जल में मुनिवरन निरंतर ब्रह्म अर्थात वेद वचनों का गान कर रहे थे। विधि विधान के साथ नित्यानुष्ठान करके नर्मदा नदी के तीर से वापिस लौट कर कर्मों के करने वाले प्रमुख मुनिगण अपने अपने आश्रमों की ओर गमन कर रहे थे। प्रत्येक वीरों की पत्नियां अपने अपने ग्रहों के आवश्यक कर्मों में उस समय में संलग्न हो रही थी। सर्वथा मुनियों की ही सदृश बहुत सी मुनि पत्नियां होम कर्म के संपादन करने के लिए धेनुओं का दोहन कर रही थी। मुनियों के कुमार दोहन किए हुए दुग्ध को समुचित स्थानों पर पहुँचा रहे थे तथा समस्त प्राणियों को सुख का आवाहन करने वाले होम के होने पर अग्निहोत्र में सभी समाकुल हो रहे थे। उस प्रातःकालीन बेला में सभी और कमल खिल उठे थे और विकसित पंकजों के ऊपर भ्रमरों के वृंद गुंजार रहे थे। सभी ओर से अपने अपने घोंसलों से पक्षीगण नीचे उतरकर अपना आसन कर रहे थे। उस समय में मंद वायु वहन कर रही थी और सुमधुर बेला में जो भी विशेष व्यग्र नहीं थे ऐसे मंदोन्मत हाथी अश्व और रथों द्वारा गमन करने वालों के शरीर को आह्लाद का विवर्धन हो रहा था। बहुत से कर्मनिष्ठ जन पुष्प और तीर्थ जल का आहरण करके अपने अपने आश्रमों की ओर गमन कर रहे थे। वेदों के स्वाध्याय करने में परम दक्ष बहुत से मृग चर्मों के धारण करने वालों के द्वारा भली भांति उच्चावच मंत्रों के प्रयोग किए जा रहे थे तथा प्रेषों का उच्चारण किया जा रहा था। अग्नि में आहुतियां दी जा रही थी। रीति के अनुसार मंत्र शास्त्र और तंत्र शास्त्र में वर्णित क्रियाओं का विस्तार हो रहा था। जलती हुई अग्नि की शिखा के आकार वाले तपन के तेज में समस्त दिशाओं में तप को प्रतिहत करके वसुंधरा पर वह फैला हुआ था। सूर्यदेव के उदित हो जाने पर उस समय में रात्रि के समय का अंधकार विनष्ट हो रहा था। जिस समय में समस्त तारागण विलीन हो गए थे और सभी दिशाएं एकदम स्वच्छ दिखलाई दे रही थी उस समय में हेहेश्वर राजा प्रातःकालीन सब कृत्य पूर्ण करके शिकार करने के लिए चल दिया था। रथ हाथी और अश्वों से समन्वित समस्त सैनिकों से युक्त होकर अपने पुरोहित के साथ वह राजा हेहेश्वर
अपने नगर से शिकार करने के लिए निकल दिया था। अपने सभी सचिवों के साथ और वयोवृद्ध अन्य कितने ही राजाओं को साथ में लेकर श्रीमान वह बड़ी भारी सेना के वीरों के भार से समस्त वसुधा को नीचे की ओर झुकाते हुए चल रहा था। वह राजा अपनी सेना के रथों के चलने की ध्वनि से सभी दिशाओं को गुंजित कर रहा था और अपनी सेना के समुदाय के सहित प्रवेश करके सैकड़ों विमानों से आकाश को संचादित करता हुआ वह राजा था। उस राजेश्वर ने अपने सैनिकों के द्वारा उस संपूर्ण वन घेर कर परम श्रेष्ठ नृप वे उस स्थल को अत्यंत विलोलित कर दिया था। उस नृप ने अपने कानों तक समाकृष्ट धनुषों की प्रत्यंचा वाले योद्धाओं के द्वारा छोड़े हुए तीक्ष्ण बाणों से वहां पर अनेक प्रकार के हिंसक पशुओं का हनन किया था। अतीव उदग्र वेग से युक्त पदातियों के खड्गों से खंडित शरीर वाले, जिनके शरीर के भाग कट गए हैं, ऐसे कुछ शार्दूल वहां पर भूमि में गिर गए थे। बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली वीरों के द्वारा छोड़ी हुई शक्तियों से कटे हुए मस्तक वाले कुछ वराहों के यूथ रुधिर से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर गए थे। मृगों के समुदाय पर्वतों के ही समान भूमि पर पड़े हुए थे और सिंह, रीच और शरभ आदि धनुषों के तीरों से विद समस्त अंगों वाले हो गए थे। इस प्रकार से कुछ सवागुर गिरते हुए और गिरे हुओं के द्वारा सभी और संपूर्ण पृथ्वी तल को रक्त से भीगी हुई करके अनुकीर्ण कर दिया था। कुछ मृग कुत्तों के द्वारा खदेड़े हुए होकर भाग रहे थे और आर्त होकर चीखे मारते हुए प्राणों के भय से अति आतुर और भयभीत हो रहे थे। जिस तरह से युग के अंत समय में सर्वत्र विभीषिका से पूर्ण स्थिति हुआ करती है, ठीक उस समय से अत्यंत आतुर हो रहे थे, जिसके कारण वह संपूर्ण वन समाकुल होकर शोभित हो रहा था। वहां पर चमरी, रुरु, गोमायु, गवय, रीच और बहुत से वृक, कृष्णसार, द्वीपी मृग, रक्त, खड़ग, मृग, विचित्र अंगों वाले मृग और न्यूंक आदि सभी और मारे जा रहे थे, जिनमें दूध पीने वाले बहुत से छोटे पशु थे और बालक वृत्त तथा जवान पशुओं के जोड़े भी थे। वहां पर सबका निहनन किया जा रहा था। राजा के सैनिकों ने शस्त्रों के द्वारा वध करने के जो भी पशु योग्य थे, उन सबका पैने शस्त्रों से हनन कर दिया था। इस प्रकार से प्राय हिंसा करने वाले महान घोर पशुओं का वहां पर पूर्ण रूप से हनन किया था। इस तरह से शिकार करने से नृप के सैनिक बड़े भारी श्रम से थक गए थे। भुवन, भास्कर, सूर्यदेव मध्य में प्राप्त हो गए थे। उस समय दोपहरी के वक्त में राजा अपनी सेना के सहित सूर्य तप से बेचैन हो गया था। घाम से संतिप्त होकर प्यासा राजा धीरे से नर्मदा के तट पर चला गया था और फिर वह उस नर्मदा के जल में सब वाहनों और सैनिकों के सहित उतर गया था। भूख और प्यास से उत्पीड़ित राजा ने उस शुभ जल में अवगाहन किया था और उस नदी के परम शीतल जल में स्नान किया था और उसका पान भी किया था। अपनी समस्त सेना के सहित राजा ने उसके जल के भीतर उतरकर बहुत काल पर्यंत विशेष रूप से जल क्रीड़ा की थी तथा परम स्वादिष्ट शुभ्र विष के तंतुओं का अशन भी किया था। जब सूर्यदेव आलंबमान हो गए थे तो सब अनुचरों और सैनिकों सहित राजा ने तरुवरों के समूह से मंडित उस शरिता के तट पर विश्राम किया था। फिर उन विंध्याचल के गहन वन से अपने नगर में जाने के लिए राजा निकल दिया था। वहां से गमन करते हुए ही उसने नर्मदा के तट पर समाश्रित एक आश्रम का दर्शन किया था। वह एक महान आत्मा वाले और पुण्यशील जमदग्नि मुनि का आश्रम था। राजा ने वहां से लौटकर कुछ दूरी पर अपनी सेनाओं को स्थापित कर दिया था। अपने साथ में कतिपय परिचारकों को लेकर ही वह उस आश्रम में गया। पुरोहित के सहित ही राजा ने उस परम रम्य आश्रम में गमन किया था। राजा ने वहां पर पहुंचकर उस मुनि शार्दूल के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया था। जमदग्नि ने उस श्रेष्ठ राजा के आशीर्वचनों के द्वारा अभिनंदन किया था। मुनि ने अर्घ्य पाद्य और आसन आदि के द्वारा उस राजा का अर्चन किया था। उस समय में मुनि के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार किया था। फिर राजा उन महामुनि के सामने परम शुभ्र आसन पर विराजमान हो गया था। जब राजा अपने आसन पर उपविष्ट हो गए तो वे मुनिवर जमदग्नि एक कुशा के आसन पर संस्थित हो गए थे। महामुनि ने उस राजा के साथ संलाप करते हुए पुत्र, मित्र और बंधु आदि के विषय में राजा से क्षेम कुशल पूछा था। थोड़े ही समय तक स्थित होकर महामुनि ने अपना अतिथि सत्कार करने के लिए राजा को निमंत्रित किया था। इसके अनंतर राजा परम प्रीतिमान होकर जमदग्नि मुनि से बोला था, हे हेश्वर, राजा ने महामुनि से प्रार्थना की थी कि हे महर्षि, आप मुझे अपनी आज्ञा दीजिए, मैं अब अपने पुर को गमन करूंगा। हे महामुने, कारण यह है कि मेरे साथ समस्त सेनाएं वाहन भी हैं। इस वन में वन्य फल मूलों का अशन करने वाले आपके द्वारा आतिथ्य नहीं किया जा सकता है।
अथवा यह भी हो सकता है कि आप अपनी तपश्चर्या की शक्ति से मेरा आतिथ्य करने की सामर्थ्य रखते हैं, तो भी यह उचित नहीं है और आप मुझे मेरी नगरों की ओर गमन करने की आज्ञा देने के योग्य हैं। अन्य प्रकार से अर्थात यदि मैं ठहर भी जाऊं तो हे मुनिश्रेष्ठ, ये सैनिक बड़े ही दुष्ट स्वभाव वाले हैं। इनके द्वारा तपस्वियों के नियमों को क्षय करने से बहुत ही अधिक आप लोगों को पीड़ा हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, इस तरह से जब राजा के द्वारा मुनिवर से कहा गया था तो उस महामुनि ने राजा से कहा था कि आप कुछ क्षण के लिए यहाँ पर विराजमान तो रहिए, मैं आपका समस्त अनुगामियों के ही सहित पूरा आतिथ्य सत्कार संपन्न कर दूंगा। इतना राजा से कहकर उस महामुनि ने दो गद्री धेनु को बुलाकर उससे कहा था कि ये राजा आज मेरे अतिथि के स्वरूप में समागत हो गए हैं। जब ये यहाँ पर समागत हो गए हैं तो इसी कारण से आप इनका आज पूर्णतया सत्कार करिए। इस रीति से मुनि के द्वारा कही हुई उस दो गद्री ने महामुनि के गौरव के कारण पूर्ण रूप से राजा का आतिथ्य किया था और जो जो भी राजा के आतिथ्य के योग्य पदार्थ थे वे सब बहुत शीघ्र दोहन करके उपस्थित कर दिए थे। इसके अनंतर उस सुरभि के प्रभाव से उस श्रेष्ठ मुनि का आश्रम सुरराज के सदम के समान वैभवों के अनेक भेदों के द्वारा ऐसा न सोचने के योग्य स्वरूप वाला हो गया था कि जो अन्य किसी के भी द्वारा साध्य नहीं हो सकता। अब सुरभि की महिमा के आश्रम की जैसी परम विशाल शोभा हुई थी उसकी छटा का वर्णन किया जाता है। उस आश्रम के अंदर का भाग नाना भांति के रत्नों के दीप्यमान द्युति से विचित्र हो गया था और सुवर्ण के चाक विक्के से संयुक्त प्रकाशमाला से घिरा हुआ था तथा पूर्ण चंद्र के समान परम शुभ्र और अत्युच्च अंतरिक्ष को छूने वाले शिखरों से समन्वित प्रसादों से चारों ओर परिपूर्ण वह आश्रम हो गया था। कांस्य, आर्कूर, ताम्र, हेम, सुवर्ण, सौधोपल, दारू और मृतका के पृथक पृथक और मिश्रित नेत्रों तथा मन को परम अभिराम प्रतीत होने वाले अनेक भवनों से वह आश्रम समुद्भासित हो गया था। उस महामुनि का वह आश्रम उस समय में महामूल्यवान रत्नों से समुज्ज्वल था और हेम की वेदिका निष्कूट, सोपान, कुटी और विटंकों से समन्वित था। तुला, कपाट, अर्गला, कुडे, देहली, निशांतशाला, अजीर की शोभा से बहुत ही वह आश्रम संयुक्त था। वल्भी, अलिंद, अणंग और परम रम्य तोरणों से युक्त था तथा अधभ्र, चतुष्किका आदि से विशोभित था। उस आश्रम में जो स्तंभ बने हुए थे उनमें और जो दीवाले थी उनमें परी शोभमान दिव्य रत्नों के विचित्र चित्र विद्यमान थे। इनसे उस आश्रम की अद्भुत शोभा हो रही थी। वह महामुनि का आश्रम छोटे व कीमती श्रेष्ठ रत्नों से युक्त था और उसमें अत्युद्भुत स्वर्ण के अनेक सिंहासन और पीठिका आदि निर्मित थे। उस आश्रम के एक देश में भक्ष्य और भोज्य, लेह, चोष्य आदि अश्नोपयोगी पदार्थ वर्तमान थे तथा अन्न पानों से समुपेत भांड भी वहां पर विद्यमान थे। उससे ऐसे अनेक ग्रह बने हुए थे जो देवों के लायक सब प्रकार की नयनों और मन के परम रमणीक लगने वाली संपदा से समन्वित थे। वह मुनि का आश्रम सुरभि की महिमा से मनोहर, बंधुओं से सुंदर नगर के समान परम शोभित हो रहा था। जमद अग्नि द्वारा अतिथि सत्कार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, संतुलित महेंद्र की नगरी के प्रभाव वाले उस पुर में मुनिवर की धेनु ने उन ग्रहों में इसके पश्चात उनके ही योग्य नर नारियों के समुदायों की रचना भी कर दी थी। अब जो नारीगणों का निर्माण उस पुर में किया था उनकी वेशभूषा, रूप माधुर्य, सौंदर्य, छटा और कार्य कुशलता आदि का वर्णन किया जाता है। उन नारियों के विचित्र वेश थे और अद्भुत आभरण, प्रसून, गंध आदि से समलंकृत शरीर थे तथा वे अपने हावो भावों से ससन्वित थी और उदार चेष्टाएं, श्री कांति और सौंदर्य आदि गुण से युक्त थी। मंद स्फुरण करने वाली दंत पंक्ति की मरीचियों के जाल से विशेष रूप से द्योतित उनका मुख कमल तथा जिससे उन्होंने चंद्र की आभा को भी पराजित कर दिया था। उनकी वाणी नूतन यौवन के भार से वलुकता से संयुक्त थी तथा प्रेम पूर्वक धीमे कटाओं से संयुक्त तो उनका निरीक्षण था। उनके वदन की प्रजा अत्यधिक थी और प्रीति की भाव भंगों से वे परम प्रसन्न हृदय वाली थी तथा अपने श्रृंगार में कल्पतरु के परम सुंदर सुमनों से विभूषित थी। उनका परम सुरम्य सौभाग्य, सुकुमारता, रूप, लावण्य, अभिलाषा, शौर, मधुर आकृति देवांगना के समान ही थी, जिनके कारण वे नारियां अतीव रंजित थीं। तपे हुए सुवर्ण के कलशों के ही सदृश अत्यधिक सुंदर परिपुष्ट उनके दोनों उरोज थे, जिनके वहन करने के भार से उन नारियों का मध्य भाग कुछ नीचे की ओर झुका हुआ था
उन नारियों के श्रोणियों का भार ऐसा था कि उसके वहन करने में उनको कुछ खेद होता था और खिन्नता के कारण से परिश्रित रुधिर से तथा लगे हुए पावक रस से उनके चरणों का भाग अरुणिमा से संयुक्त था। केयूर, हार, मणियों के द्वारा विनिर्मित कंकण, सुवर्ण का कर्ण सूत्र और विमल श्रवणों के भूषणों से वे नारियां विभूषित थी। उनके कुंतल केश पाशों में परम सुंदर सुमनों की मालाएं गुथी हुई थी और करधनी में लगे हुए घुंघरू की तथा नुपुरों की ध्वनि से वे समायुक्त थी। आकृष्ट रोष की परिसांत्वना में नर्म, हास, केली और प्रिय आलाप करने में, भाषण और रोष तथा बतर्सना में दक्ष एवं पार्थिव निज प्रिय धैर्यबंध सबके उपहार में कुशल भावों से वे नारियां अपने मन को लगाने वाली थी। वीणा के तारों से निकले हुए स्वर के समान परम मंजुल और सौम्य के गाने के योग्य गंधर्वों के समुच्च एवं मधुर निनाद से भाषण करने वाली वे सब नारियां थीं। वीणा के वादन में परम प्रवीण पानी के उंगलियों के द्वारा गंभीर चक्र के चटुबाद में निरत एवं वे समस्त नारियां समुत्सुक थीं। वे समस्त नारियां यौवन के मत से अधिक अलस और अत्यधिक प्रगल्भ भावों वाली थीं तथा वे सब आकुलित एवं कामुक अर्थात कामकेली की वासना से संयुक्त मनो वाली थीं। काम वासना से रचनात्मक प्रयोग करने में वे सारी बहुत ही निपुण थी तथा परिपूर्ण संपदा, उदारता, रूप, गुण और शील स्वभाव से समन्वित थी। संख्या को भी अतिक्रमण करने वाले अर्थात बहुत ही अधिक घर के कर्मों में बहुत संलग्न रहने पर भी अपने प्राणी पतियों की परिचर्या करने वाली थी। वह पुर उन नारियों के गुणगानों के लायक ही रूप और शोभा वाले उद्भासित और सभी ओर से ग्रहों में संचरण करने वाले पुरुषों से घिरा हुआ था। वह नगर, राजमार्ग, आपनसोत, सोपान, देवालयों के आंगन में समस्त अर्थ ग्रहों वाले तथा परिपूर्ण कामनाओं से संयुक्त नागरिकों से चारों ओर से अध्यास्यमान था अर्थात परिगुणशाली पुरवासी सभी ओर निवास कर रहे थे। उस नगर में असंख्य अनुपम और नाना भांति के रत्नों से समुज्ज्वलित एवं विचित्र प्रसादों के समुदायों की अवस्थिति थी और वहां पर अनेक ऐसे मंदिर थे जहां पर अनेक रथ, अश्व, हाथी, खर, उष्ट्र और गौएं विद्यमान थीं। उस नगर में चारों ओर नरेंद्र सामंत, निषाद सादी, पदाती, सेनापति और नायकों के तथा रथी, सारथी, मागध, बंदीगण और विप्र प्रभृतियों के ग्रह बने हुए थे। उस अनुपम नगर में विविक्त अर्थात खुली हुई रथियाएं थीं। सभी आपण थे जिनके चत्वर बहुत ही विचित्र थे। वहां पर अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय और विक्रय हो रहा था। उस नगर में वारांगनाओं के परम शुभ्र ग्रहों के समूह विनिर्मित थे जिनके निर्माण करने में बहुत अधिक धन के व्यय से सब सामान भली भांति लगाए थे। उस सुरमय नगर में बहुत ही मूल्यवान रत्नों से उज्ज्वल एवं समुन्नत गोपुर बनाए हुए थे तथा शवा गदों के समुदाय के बर्तन के आलय बने हुए थे। उसमें विचित्र ध्वजाएं, पताकाएं और शुभ्र पटों से संयुक्त उन्नत मंडपिकाएं निर्मित थी। उस नगर में जल से भरे हुए अनेक तालाब, बावड़ी और सरोवर थे जिनमें अनेक प्रकार की रमणीक ध्वनि हो रही थी तथा वहां पर उनका जल कहलार, कमल, कुमुद और उत्पलों की रेणु से सुवासित था और चक्रवाक, हंस, कुररी, बगुला तथा सारसों की ध्वनियां सुनाई दे रही थी। उस नगर में अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे जिनके आल वाल भी बने हुए थे। उन तरुवरों में आम्र, प्रियालपन, मधुप, जम्बू और पलक्ष के वृक्ष थे। वहां पर पर्वतों में परम सुंदर नाग, केतुकी, पुन्नाग और चंपक के वन थे जो पक्षियों के द्वारा सेवित थे अर्थात जिन पर अनेक पक्षी निवास कर रहे थे। वह नगर अनेक तरह के वृक्षों से शोभित था जिनका स्वरूप जगत परमाश्चर्यजनक था। वहां पर सूत संरक्षित चारों ओर उपवनों की पंक्तियां थी एवं वहां अनेक मंदार, कुंद, करवीर, सुंदर यूथिका और जाति आदि के पुष्पों तथा फलों वाले वृक्ष लगे हुए थे। हे नरेंद्र, उस नगर में समस्त ऋतुओं में श्रेष्ठ वसंत में सुरभित वायु के मंद मंद प्रचलन से धर्म के काल को भर्षित कर दिया गया था। इस प्रकार से वह नगर सुरासुरों की परम मनोरम योगों की संपदा के विस्पष्टमान वैभव वाला था। उस मुनि की होमधेनु ने तुरंत ही अमित सौभाग्य के भोग को करके शीघ्र ही उस महामुनिंद्र की सेवा में कर दिया था। इसके अनंतर उन मुनि श्रेष्ठ ने द्विज होमधेनु के द्वारा राजा का परम रुचिर आतिथ्य संपादित किया हुआ जान लिया था। फिर उस मुनिंद्र ने अपने किसी गुणशाली शिष्य को बुलाकर हे राजन, शीघ्र ही है ईश्वर के समीप में भेज दिया था। उस मुनिसुत ने शीघ्र वेग से विषों के अधिपति के समीप में गमन करके बहुत ही नम्रता से यह उससे यह कहा था, हमारे कुल गुरुदेव की यही आज्ञा हुई है कि हमारे द्वारा समुपादित आतिथ्य को
राजा के द्वारा शीघ्र ही ग्रहण करना चाहिए। इसके पश्चात राजा ने मुनिवर के द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करके उस परम श्रेष्ठ नगर में प्रवेश किया था जो कि अपने ही लिए निर्मित किया गया था। वह राजा अपनी सेना के समस्त सैनिकों के सहित उस नगर में प्रविष्ट हुआ था जो कि मुनि के होम धेनु की अत्यद्भुत शक्ति सामर्थ्य का सूचक था और जो सभी प्रकार के उपभोगों का एक महान विशाल आगार था। अंदर उस राजा ने बलि भांति प्रवेश करके सभी लोगों का सम्मोहन करने वाली उस नगर की समृद्धि का अभिसमीक्षण करके अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त की थी। उस समय अपनी सेना के सहित परम दानी और महान धीर उस राजा ने प्रीति से प्रसन्न वदन वाला होकर अत्यधिक विस्मय को प्राप्त किया था। देवी की स्त्रियों के नेत्र रूपी भ्रमरों के यूथों के द्वारा पाप करने का एकमात्र पात्र समुचित एवं सुंदर मूर्ति वाला जिस समय वहां गमन कर रहा था, अर्थात गमन करते हुए देवांगनाएं अपने नयनों से उसकी सुंदर मूर्ति का अवलोकन कर रही थी। देवगणों के समुदायों के साथ उस राजा हेहेपति ने कुबेर की बस्ती में महेंद्र के ही समान पुर के राजमार्ग में परम रमण किया था। राजमार्ग के द्वारा जब प्रस्थान कर रहा था उस समय में सौधों पर स्थित होती हुई पुरांगनाओं ने चारों ओर से चंदन के जल से सिक्त परम सुंदर प्रसूनों और लाजाओं के प्रकारों से निरंतर उस राजा के ऊपर वर्षा की थी। समागत अतिथि के अर्चन करने में परमाधिक समुत्सुक उस नगर वासियों की अंगनाओं ने कर कमलों से घिरी हुई खीलों की वर्षा हो रही थी। उस समय में होने वाले पंख से सुगंधित नंदन वन में समुत्पन्न पुष्पों की राशियां बरसाई जा रही थी जिन पर सौरभ से सम्मोहित भ्रमर गुंजर कर रहे थे। वहां पर राजा वहां की वनिताओं के द्वारा अंजन रत्न सार मुक्ताओं से अनुपत प्रक्रियमाण हो रहा था। वे अवनीपति इस प्रकार की विशद पुष्टियों से चारों ओर विशेष रूप से भ्राजित हुआ था, जैसे मंदराचल चंद्रमा की किरणों के समुदाय से शोभाशील हुआ करता है। उस समय अत्यंत उदार और लोकों में चिंतन न करने के योग्य ब्राह्मणों की तपश्चर्या का भी अवलोकन राजा ने किया था जो कि अन्य लोकों में महादुर्लभ और स्पर्हणीय शोभा से समन्वित था। क्षत्रियों के अधिपति ने उस नगर की संपदा को देख कर, हे राजन, वचनों की भांति मन में बहुत ही अधिक प्रशंसा की थी और हेहेपति ने यह मान लिया था कि भूमंडल में अधिक मनोहर हित के सहित क्षत्रियों की संपदा ऐसी परम दुर्लभ है, अर्थात क्षत्रियों की संपदा ऐसी कभी भी नहीं हो सकती है। सुरों के द्वारा समर्पित इस विप्रों की श्री के समक्ष में क्षत्रियों की श्री शतांश की भी तुलना प्राप्त करने में समर्थ नहीं होती है। पुर के मध्य में अपने पुरोहित और मंत्रियों के साथ में जब उस पुर के निवासियों के द्वारा उपचित विभूति का अलोकन किया था तब राजा को मन में विप्र श्री की महत्ता का ज्ञान हुआ था। जिस समय में राजा नगर के भीतर गमन कर रहा था उस समय में अपने पार्श्व में चरण करने वालों के द्वारा सोधों का वर्ग उसे दिखाया गया था तथा वहाँ के गुरुजन के द्वारा सभी ओर से वह पूज्यमान हो रहा था और उसको विशेष आनंद प्राप्त हुआ था। उस समय में राजा से निवेदन किया गया था कि आप अपने सभी अनुचरों के सहित अपने स्वरूप के अनुरूप मुनिवर के द्वारा इस पर्या का लाभ प्राप्त कीजिए। फिर राजा अपने स्वार्थ को निवर्तित करके प्रकल्पित ग्रह की ओर अभिमुख होकर वहां से चला था। मार्ग में सभी ओर से अनेक प्रकार की पूजा की सामग्री हाथ में ग्रहण करे हुए पुरवासियों ने एकत्रित होकर अपने करों को जोड़कर उसका परमाधिक आतिथ्य सत्कार किया था और पद पद पर जयकार के शब्दों के घोष से तथा सूर्य की ध्वनि से सभी दिशाओं को बधिर करते हुए उस राजा का नगर निवासियों ने विशेष सम्मान किया था। फिर राजा ने क्रम से तीन अन्य कक्षों का अतिक्रमण किया था जिनमें बड़े ही संभ्रम वाले कंचुकी वर्तमान थे। उन कंचुकियों के द्वारा दर्शक जनों के समूहों को अलग दूर हटा दिया गया था। जिस समय में राजा ने अंदर प्रवेश किया था सचिवगण बड़े ही आदर से राजा के पदार्पण करने के लिए हाथों से संकेत कर रहे थे। भीतर नगर की कामिनियां विद्यमान थी जो राजा का अर्चन प्रदीपदधि दर्पण गंध पुष्प दूर्वा और अक्षत आदि से विशेष रूप से कर रही थी। फिर राजा उस राजभवन के अंदर से लीला के सहित बहुमान पूर्वक आनंदित होता हुआ निकला था। वहां पर समवयस्क उन पुर की युवतियों के द्वारा अनेक प्रकार के रत्नों के प्रवेग रुचि के जाल से विराजमान बहुत ही शीघ्र एक उपवेशन करने के लिए आसन निवेशित किया गया था। वह उदार यश वाला राजा बहुत ही बारीक वस्त्र का छादन जिस पर हो रहा था और नीचे सुवर्ण का विस्तर जिसमें था ऐसे उस परम मनोहर आसन पर अध्यासित हो गए थे। हे नृप,
उस गृह में उसकी पुरंदरियों के समुदाय ने अपने आसन पर शीघ्र ही समासीन राजा का अनेक पूजन के उपचारों से अर्चन किया था। इसके उपरांत वाद्यों के वादन आदि के द्वारा और भूषण, गंध, पुष्प, वस्त्र आदि अलकृतियों से राजा का विशेष आनंद बढ़ा दिया था। वहां पर संपूर्ण दिन में होने वाले समुचित कर्म से निवृत्त होकर उस हे पति ने अपने मत के अनुसार पूरे दिवस को व्यतीत किया था। वहां पर उस राजा का पूरा दिन अनेक तरह के आलयन, नर्म वचन, विचित्र आनंद के लिए और भली भांति प्रेक्षण आदि के समाचरण से व्यतीत हुआ था। फिर जब संध्या का समय हो गया तो उसने दिनांत में होने वाले उचित कर्मों से निवृत्ति प्राप्त की थी और फिर वह राजा सभी ओर से अपने मंत्रीगण और सचिवों से अनुगत हो गया था। समीप में वर्तमान भृत्यों में करों में अनेक प्रदीप संस्थित थे जिनसे रात्रि का परम गहन अंधकार शांत हो गया था। उस समय में राजा अपनी सभा में प्राप्त हो गया था। वहां पर वह अपने आसन पर विराजमान हो गया था और सैकड़ों पुरोहित, मंत्री, सामंत और नायकों के द्वारा समुपासित हो रहा था। उस राजसभा में नाना भांति के विनोदों से वह परम हर्षित होकर बैठा हुआ था, जिस तरह देवगणों से समन्वित सुरेंद्र हो। इसके अनंतर बहुत समय तक अनेक वाद्यों का वादन, आमोद प्रमोद, नृत्य और प्रेक्षण में प्रवृत्त हास्य विलास तथा कथाओं के प्रसंगों में वह प्रसक्त हो गया था। वहां पर गणिका जनों के साथ प्रणय प्रवर्धक नर्म वचन, हास, क्रीड़ा और विलास से उसने अपने चित्त की वृत्ति को परितोषित किया था। इस रीति से क्षत्रियों के स्वामी उस राजा ने भिक्षा के अर्ध भाग को अत्यधिक रूप से अनेक प्रकार के विहार के वैभव के अनुभवों से व्यतीत किया था। फिर उस राजा ने अपने अनुगामी नरपतियों को रवाना कर स्वयं भी वह अपने भवन में चला गया था। उससे राजा की सेना के जो सैनिक थे वे सभी उन ग्रहों में अपने शौर्य वीर संपत्त प्रभाव और महिमा के ही अनुकूल प्राप्त करने वाले थे। वे सब सैनिक गण अपने स्वरूप के अनुरूप वैभवों में वेश कीमती वस्त्र स्त्रक और भूषण आदि के द्वारा अत्यधिक मुदित हुए थे। उस राजा के सैनिक विविध प्रकार के अन्न पान, अच्छे भोक्ष्य, भोज्य, मधु, मांस, पय और घृत आदि से परम तृप्त हो गए थे। उस नरेंद्र की पुरी में जैसे देवगण स्वर्ण में सब कुछ प्राप्त किया करते हैं, उसी भांति उन्होंने सैनिकों ने भी सुखों के उपभोगों के द्वारा संपूर्ण आनंद प्रद पदार्थों की प्राप्ति की थी। इस रीति से वे जो उस नृपति के अनुगामी थे वे सब अनेक प्रकार के समुचित सुखों के अनुभव से समाश्वस्त हो गए थे। वे सब परस्पर में एक दूसरे से कह रहे थे कि अपने घर और धन आदि के द्वारा क्या साधन किया जाता है, अर्थात अपने घरों में यहाँ से अधिक क्या यहाँ के समान भी कोई साधन प्राप्त नहीं होते हैं। हम सब तो अब यहाँ पर निवास करना चाहते हैं। फिर उस राजा ने भी शर्वरी का जो कुछ भी विधान था उसे पूर्ण करके वह भी अपने निवास के भवन में दिव्य शैया पर पहुँच गए थे, जो शैया रत्नों के समुदाय के प्रकाश से अतीव शोभित थी और परमोत्तम थी। हे नरेंद्र, निश्चित होकर चिरकाल पर्यंत निद्रा के सुख का सेवन किया था। कार्तिकेय द्वारा कामधेनु की मांग। वशिष्ठ जी ने कहा, जिस समय में राजा शयन कर रहे थे और प्रातःकालीन गाने का समय हो गया था तो सूद, माघध और बंदीगण वहां पर आकर उपस्थित हो गए थे। निशा के अवमान में उन्होंने अव्यग्र होते हुए राजा को प्रबोध कराने के लिए समुच्च स्वर से गायन किया था। वह उनका गान वीणा वेणु की ध्वनि से मिला हुआ मधुर और ताल के विस्तार के अनुरूप था तथा समस्तों के श्रवण करने में सुश्राव्य था और परम प्रशस्त एवं मधुर स्वर वाला था। उनका कंठ बहुत ही स्निग्ध था, ऐसे उन्होंने विशेष रूप से सुस्पष्ट मूर्छना और ग्राम से संयुक्त था। तार और मंद्र लब से समन्वित बहुत ही मन को हरण करने वाला गान उन्होंने गाया था। राजा को जगाने की इच्छा रखने वाले उन सूतों और मागधों ने सोते हुए उस महान आत्मा वाले राजा से धीरे धीरे कहा था, हे राजेंद्र, इस समय में यह चंद्र पराजित होकर अस्त को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपकी बड़ी हुई मुख कमल की शोभा से इसका पराजय हो गया है। अब आप प्रबुद्ध होकर इसका अवलोकन कीजिए। हे विभो, इस समय में आपके मुख कमल को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक की भांति अंधकारों का भेदन करता हुआ सूर्यदेव उदय को प्राप्त हो गए हैं। हे राजन, आप तो समस्त चंद्र वंशों के प्रमुखों में भी सर्व शिरोमणि हैं। अब आप अपनी निद्रा का त्याग कर जागृत हो जाइए। इस प्रकार के उन मागध बंदियों के वचनों का श्रवण करके वे महीपति क्षीर सागर में शेष भाग की शैया के पंकज लोचन भगवान नारायण के समान ही प्रतिबुद्ध हो गए थे। निद्रा से रहित नेत्रों वाला होकर फिर उस नृपति ने परम सावधान होते हुए जय आदि जो संपूर्ण दैनिक कर्म थे उनको किया था
और बहुत ही समादर पूर्वक संपन्न किए थे। फिर उस राजा ने अपने अभीष्ट गौ देवता की अभिवंदना करके वह स्वयं दिव्य गंधमाला और भूषणों से समन्वित हुआ था और समस्त मांगल्य, दूर्वा, अंजन और आदर्श आदि अवलंबनों को ग्रहण किया था। उसने लोभी याचक गण वहां पर समुपस्थित हुए थे उनको दान दिया था, गौ और ब्राह्मणों को प्रणाम किया था तथा उस पुर से बाहर निकलकर भगवान भुवन भास्कर का उपस्थान किया था। उसी समय में तब तक सभी मंत्री और समस्त नायक वहां पर आ गए थे। उन्होंने अपनी करों की अंजलियों को जोड़कर हे राजन उस नृपों में श्रेष्ठ के लिए अभिवादन किया था। इसके उपरांत उन सबके साथ सबसे संयुक्त वह राजा तप के निधि मुनिवर के समीप में उपस्थित हुआ था और अपने मस्तक को झुकाकर निज शिर पर सूर्य के वर्चस्व वाला किरीट पहने हुआ था, महामुनि के चरणों में प्रणिपात किया था। मुनियों में परम श्रेष्ठ उस मुनिद्र ने इसके अनंतर आशीर्वादों के द्वारा राजा का अभिनंदन किया था और जो विनम्रता से नीचे की ओर अवनत हो रहा था उस राजा से परम शांतिपूर्ण वचन से कहा था, आप यहाँ पर बैठ जाइए। जब राजा वहाँ पर आसीन हो गए थे तब बड़े ही प्रीति युक्त मन वाले महर्षि ने उस नरपति से कहा था, हे नृप कहिए कि आपकी रात्रि तो सुखपूर्वक व्यतीत हुई है। हे राजेंद्र इस वन में पशु के ही समान धर्म वाले हमारा तो वन में समुत्पन्न वस्तुओं से ही जीवन यापन होता है, जिस किसी भी प्रकार से वृत्ति की जा सकती है। ऐसे महारण्य में जो नगरों में निवास करने वाले हैं उनकी स्थिति तो बहुत ही दुस्सह हुआ करती है। हे राजन कारण यही है कि नागरिक पुरुषों को ऐसे अरण्य जीवन का कभी कभी अभ्यास नहीं होता है और यह सब महान कठिन ही होता है। आपने इस वनवास के परिक्लेश को अपने समस्त अनुगामियों के साथ में अनेक बार प्राप्त किया है, निश्चय ही आपके लिए यह गौरव ही समुन्नति है। इस रीति से जब यह उस राजा से मुनिवर ने कहा था तो उस राजा ने प्रीति के साथ कुछ मुस्कुराते हुए पुनः उस मुनिवर को इसका उत्तर दिया था। राजा ने मुनिवर से कहा था, हे ब्राह्मण आपको इस उक्ति से क्या है, अर्थात आपने जो ये कथन किया है उसका क्या अभिप्राय है समझ में नहीं आता है। हम लोगों ने तो आपकी जो महान महिमा स्वयं अपने नेत्रों से देखी है वह तो परम अद्भुत है और उससे तो संपूर्ण जगत को ही बड़ा विस्मय होता है। हे महामुने आपके तप के प्रभाव से जो यहाँ पर महान वैभव समुत्पन्न हुआ है उससे प्रभावित चित्त वाले ये मेरे सभी सैनिक तो यहाँ से अन्यत्र गमन करने की इच्छा नहीं करते हैं। हे विभो इस जगती तल में आप जैसे महापुरुषों के तपों के प्रभावों से ही निश्चित रूप से सर्वदा ब्राह्मणों के वर्चस्व को नित्य ही धारण किया करते हैं। हे विभो इसमें कुछ भी विचित्रता नहीं है, आप अपने तप के द्वारा लोकों की क्रम से तीनों अवस्थाओं को ध्रुव कर सकते हैं। हमने आपको लोकों में पूजित महान तप की सिद्धि भली भांति देखी है। हे ब्राह्मण मैं अब अपनी नगरी में जाऊंगा, अतः आप मुझे गमन करने के लिए अपना आदेश प्रदान कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, जल कार्तवीर्य राजा के द्वारा जब इस प्रकार से उन महामुनि से सादर प्रार्थना की गई थी तो मुनि ने बहुत कुछ सत्कार करके यही उत्तर दिया था कि यदि आप जाना ही चाहते हैं तो स्वेच्छाएं गमन कीजिए। उस महामुनि से अनुज्ञा प्राप्त करने वाले राजा ने उनके आश्रम से बाहर निकलकर समस्त सेनाओं से परिवृत होते हुए अपनी पुरी की ओर प्रस्थान कर दिया था। मार्ग में गमन करने के समय में उस राजा ने अपने मन में विचार किया था कि ओहो इस मुनि के तपश्चर्या की कैसी अद्भुत शक्ति है जो सभी लोगों को विस्मय देने वाली है। जिस तपश्चर्या की सिद्धि से ऐसी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली धेनुओं से भी परम श्रेष्ठ धेनु प्राप्त की है, इस मेरे संपूर्ण राज्य के महान वैभव से भी क्या हो सकता है और अनलप योग की सिद्धि से भी कुछ नहीं हो सकता है। अर्थात इस मेरे महान विशाल राज्य का वैभव तथा योग द्वारा रिद्धि का वैभव भी इसके सामने तुच्छ है। कारण यही है कि समस्त धेनुओं में रतन के सदृश यह धेनु इस मुनिवर के समीप में संस्थित है। इसके ही द्वारा स्वर्ग में निवास करने वालों की भी संपदा उत्पादित की गई है यह निश्चित है। यह माना जाता है कि महेंद्र का पद अर्थात स्थान परम सिद्धियों से परिपूर्ण है तथा यह तीनों लोकों में पूजित होता है क्योंकि सर्वतोभाव से यह परम समृद्ध होता है। किंतु मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वह इंद्र का वैभव भी इस धेनु की शक्ति से समुत्पादित वैभव के सामने सोलवां भाग भी नहीं है। राजा इसी प्रकार से अपने मन में चिंतन कर रहा था। उस राजा के पीछे से आकर मंत्री चंद्रगुप्त ने उस समय में हाथ जोड़कर उस राजा से कहा था, हे राज शार्दूल आप किस लिए अपनी पुरी की ओर गमन कर रहे हैं, आपका राज्य और पुरी तो परम सुरक्षित है, अतः वहाँ पर पुरी में गमन करने से क्या फल होगा, अर्थात इसी समय वहाँ गमन व्यर्थ ही है। हे प्रभु ये रत्न भूता गौ जब तक आप मरीले राजा के घर में न होवे तब तक आपका संपूर्ण राज्य इसके वैभव के सामने आधा भी नहीं है
और यूं ही कहना उचित है कि आपका पूरा राज्य एक प्रकार से शून्य ही है। हे राजन, मैंने एक और भी महान आश्चर्य देखा था, उसका भी आप श्रवण कीजिए। उस धेनु ने अपनी अद्भुत शक्ति से बड़े बड़े मनोज्ञ भवन समुत्पादित किए थे। वे सब और परम सुंदर स्त्रियां भी थी तथा अनेक भांति के आकार प्रकार वाले जो महल अर्थात विशाल भवन थे एवं जो कभी भी क्षीण होने वाला नहीं देखा गया था, वह धन सभी कुछ एक ही क्षण में उस धेनु में मेरे देखते देखते विलीन हो गए थे। हे श्रेष्ठ राजन, इस समय में वही तपोवन था जिसमें इस रीति के प्रभाव वाली वह धेनु विद्यमान है। उस व्यक्ति को इस जगत में क्या पदार्थ दुर्लभ है, अर्थात उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। इस कारण से आप तो सभी रत्नों के रखने के योग्य बल विक्रय वाले हैं। आपको यह गौ स्वीकार करनी चाहिए, अर्थात उस धेनु को आप ग्रहण कर लीजिए। यदि यह कार्य आपको पसंद हो तो इसको अपने अनुजीवियों के द्वारा कहला देना चाहिए। इस प्रकार से मैं भी इसको नहीं जानता हूँ, किंतु यह सब आपका कथन अयुक्त है। चाहे कितनी भी आपत्ति क्यों ना उपस्थित हो जाए, ऐसे आपातकाल में भी ब्राह्मणों के धन का कभी भी आहरण नहीं करना चाहिए। मेरा मन परम शंकित रहा करता है। इस रीति से जिस समय में राजा कह रहा था, उस समय में राजा के पुरोहित ने राजा से यह कहा था, हे भूपते, मतिमानों में परम श्रेष्ठ गर्ग मुनि ने ऐसे कर्म की निंदा करते हुए यही कहा था, आपत्ति काल में भी कभी ब्राह्मणों के धन का किसी भी तरह से अपहरण नहीं करना चाहिए। इस लोक में ब्रह्मस्व के समान अन्य कुछ भी दुजर अर्थात बुरा कर्म नहीं होता है। हे है, है, विष भी मारक होता है, किंतु वह अपने उपभोक्ता को ही जो कि उसका लक्ष्य भूत है मारता है, किंतु ब्राह्मणों का धन रूपी पावक मूल के सहित संपूर्ण कुल को भस्मीभूत कर दिया करता है। हे पार्थिव, लोक में यह बड़ा भारी आश्चर्य से संयुक्त है कि ब्रह्मस्व अनिवार्य रूप से महान दुर्जर विष है। यह तो केवल ग्रहण करने वाले को ही नहीं प्रत्युत उसके सभी पुत्र पौत्र आदि का विनाश कर देने वाला है और विपाक में महान कटु होता है। असत आत्माओं वाले प्रभुओं का मन ऐश्वर्य की वृद्धि करने में महान मूड हुआ करता है। वे बहुधा नेत्रों से बुरे कर्मों को देखते हुए भी विशेष रूप से प्रलोभित उनका मन क्या क्या असत कर्म नहीं किया करता है। अर्थात ऐसे बहुत से बुरे कर्म हैं जिनको उनका मन करने में थोड़ा भी शंकित नहीं हुआ करता है। हे उत्तम नृप, आपको छोड़कर अन्य ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता है कि ब्राह्मणों को तो अपनी ओर से दान ही दिया जाता है। दान के देने के अतिरिक्त उनसे कुछ ग्रहण करना ब्राह्मणों के विषय में चाहता हो। तात्पर्य यही है कि आप ब्राह्मणों को दान देने के महत्व को भली भांति जानते हैं और उनसे किसी वस्तु का ग्रहण नहीं किया जाता है यह भी अच्छी तरह से समझते हैं। इस विषय में आपके समान अन्य कोई भी ज्ञाता नहीं है। हे महान बाहुओं वाले, आप तो इस तरह के पूर्ण ज्ञाता महापुरुष हैं। फिर ऐसे सज्जनों के द्वारा विशेष निंदित ऐसे कर्म को कभी मत करिए, क्योंकि ऐसा बुरा कर्म लोक में आपके सुयश की हानि के ही करने वाला होगा। हे राजन, आप महान दानी राजाओं के वंश में समुत्पन्न हुए हैं, अतएव आपका विशाल यश है। अब इस क्षसन कर्म के द्वारा अपने यश का विनाश मत करिए। अहो, अर्थात बड़े ही आश्चर्य की बात तो यह है कि ये अनुजीवी लोग जो कि अपने ही स्वामी के परम प्रसाद से समुच हो गए हैं, वे ऐसी अनीति की ओर उन्मुख हो रहे हैं कि वे उसे अपने स्वामी व्यसनों के सागर में डुबा रहे हैं। श्री संपन्नता होने के कारण से ऐसा मनुष्य ज्ञान शून्य हो गया है कि अचिंतनीय पुरुष के कृत्य को भी करने के लिए उतारू हो जाता है। ऐसे मनुष्यों के मतों के अनुसार प्रवृत्ति रखने वाला राजा तुरंत ही दुखों का भोग करता है। जो मंत्री सुंदर नीति को नहीं जानता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला मंत्री लोहे की नौका की ही भांति अपने राजा को भी अनीति के सागर में निमग्न करा दिया करता है। इस कारण से हे राज शार्दूल, आप इस मूढ़ के न्याय मार्ग में मत चलिए और इस दुष्ट बुद्धि वाले मंत्री के मत के अनुसार असत करने के लिए आप कभी भी योग्य नहीं होते हैं। इस रीति से अपने स्वामी के कल्याण करने वचनों को जब वह पुरोहित कह रहा था, तो उसकी बात को काट कर वह मंत्री फिर राजा से यह बोला था, हे राजन, यह पुरोहित तो जाति का ब्राह्मण है और यह सर्वदा अपनी ही जाति का हित चाहा करता है। राजा के कार्य तो बहुत महान हुआ करते हैं जो कि विप्रों के द्वारा कभी भी जाने नहीं जा सकते हैं। राजाओं के कार्य तो राजा के ही द्वारा जानने के योग्य हुआ करते हैं। विप्र केवल भोजन और दान ग्रहण के अतिरिक्त अपनी बुद्धि से अन्य निरुपोचित कार्य को नहीं जानता है। मैं ब्राह्मणों की किसी भी रीति से निंदा नहीं करता हूँ, प्रत्युत मेरा यही मत है कि कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण की नित्य ही वंदना करनी चाहिए। इसका प्रति संग्रहण भी करना उचित है, किंतु इसके द्वारा कहीं पर भी किसी कार्य को साधित नहीं करें।
हे नृप, इस कारण से आप उस मुनि की होमधेनु को स्वीकार करके अर्थात अपने अधिकार में लेकर ही फिर अपने नगर में गमन करिए। यदि यह कार्य नहीं करना चाहते हैं और ऐसे अद्भुत पदार्थ का भी त्याग कर रहे हैं तो फिर सभी राजपाट को त्याग कर तप करने को वन में ही चले जाइए और पूर्ण त्यागी बन जाइए। इस प्रकार से क्षमावान होना तो ब्राह्मणों का ही धर्म होता है। हे राजन, क्षत्रिय का धर्म तो दंड देना है। यदि बलपूर्वक भी उस धेनुरत्न का अपहरण करते हैं तो इसके करने में भी आपका कोई अधर्म नहीं होगा। हे नृप, आप यदि बलात् उस धेनुरत्न के अपहरण करने में कोई दोष और अधर्म ही देखते हैं तो आप इसके बदले में अन्य गौ तथा अश्व आदि मूल्य के रूप में मुनि को देकर ऋषि की उस धेनु का ग्रहण कर लीजिए। मेरे इस संपूर्ण निवेदन करने का निष्कर्ष यही है कि आपके द्वारा उस धेनु को स्वीकार कर ही लेना चाहिए, अर्थात किसी भी रीति से उसको अपने अधिकार में ले ही लेना उचित है। इसका कारण यही है कि आप तो ऐसे रत्नों का सेवन करने वाले हैं जो तप को ही अपना धन माना करते हैं। ऐसे तपस्वियों को ऐसे रत्नों के संग्रहण करने का समादर कहीं भी नहीं होता है। वह तपोधन बल वाला ऋषि तो परम शांत स्वभाव वाला है और हे नृप, वह आप में प्रीति रखने वाला भी है। इस कारण से जब भी आपके द्वारा याचना उससे की जाएगी तो वह सब प्रकार से उस धेनु को दे देगा। अथवा यह भी हो सकता है कि वह कुछ अधिक इच्छा रखता होवे तो अन्य गौ और सुवर्ण आदि जो जो भी उसका अभिप्सित हो वह बहुत सा धन एकत्रित करके उसको दे दिया जाए तो वह इस सब के बदले में उस धेनु का प्रतिदान अवश्य ही कर देगा। मेरी बुद्धि तो यही है कि भूति की अभिलाषा रखने वाले राजा के द्वारा ऐसे महान रत्न की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप इस विचारणीय विषय में कैसा अपना मत रखते हैं? राजा ने मंत्री के मत का श्रवण करके कहा था, हे मंत्रिन, आप ही वहां गमन कीजिए और विशेष रूप से उस विप्र को प्रसन्न कीजिए तथा जो भी कुछ उसका अभिवांछित हो उस सब को उसे प्रदान करके उस धेनु को यहाँ पर ले आइए। वशिष्ठ जी ने कहा, इस रीति से जब राजा के द्वारा कहा गया था तो वह मंत्री भाग्य के विधान से प्रेरित होकर शीघ्र ही वापस होकर जमदग्नि मुनि के आश्रम में चला गया था। उस राजा के आश्रम से अपने पुर के ओर चले जाने पर राम भी आकृत व्रण के ही साथ में समिधाओं को लाने के लिए वन में चला गया था। इसके अनंतर वह चंद्रगुप्त नामधारी मंत्री अपनी सेना के सहित जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुंचकर उसने मुनियों में शार्दूल के समान जमदग्नि के चरणों में प्रणाम करके वह वचन कहे थे। चंद्रगुप्त ने कहा, हे ब्राह्मण, नृपति ने यह आज्ञा प्रदान की है कि इस भूमंडल में राजा ही रत्नों का सेवन करने वाला होता है। इस भूमि में समस्त दोहनशील धेनुओं में अतीव उत्तम वह धेनु रत्न भूता है जो कि इस समय में आपके पास है। इस कारण से आप रत्न अथवा सुवर्ण जो भी समुचित हो उस धेनु का मूल्य बताकर ग्रहण कीजिए और गौ में जो रत्न भूता धेनु है उसको आप मुझे प्रदान करने के योग्य होते हैं। जमदग्नि मुनि ने कहा, यह तो मेरी होम धेनु है अर्थात समस्त होम की सामग्री देने वाली है, अतएव मेरे द्वारा यह किसी के लिए भी देने के योग्य नहीं है। यह आपका स्वामी राजा तो बहुत ही बड़ा दानशील है, फिर वह किस प्रकार से इस ब्रह्मस्व अर्थात ब्राह्मण के धन को लेने की इच्छा कर रहा है? मंत्री ने कहा, क्योंकि नृपति रत्नों का सेवन करने वाला होता है, इसी भावना के कारण से वह आपकी रत्न भूता धेनु की आकांक्षा करता है। यूं ही बिना किसी मूल्य के नहीं लेना चाहता है। आप 10,000 गौओं को ग्रहण करके इस कारण से उस धेनु को उस राजा के लिए देने के योग्य हैं। जमदग्नि मुनि ने कहा, भाई, मैं कभी भी किसी भी प्रकार से क्रय और विक्रय के करने वाला नहीं हूँ। वह धेनु तो मेरी हविरधानी अर्थात होम के लिए हवि के प्रदान करने वाली है, इसलिए तुरंत ही मैं उसको देने का उत्साह नहीं करता हूँ। मंत्री ने फिर कहा, हे ब्राह्मण, आप उस राजा के आधे राज्य को ग्रहण करके अथवा संपूर्ण राज्य को लेकर भी इस एक धेनु को दे दीजिए, इससे आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा। जमदग्नि ने कहा, हे दुष्ट मति वाले, मैं जीवित रहते हुए इस राजा की तो बात ही क्या है, देवेंद्र को भी यह धेनु नहीं दूंगा। फिर आपके राजा के बड़े वचन से याचना करना तो सर्वथा व्यर्थ ही है अर्थात इससे कुछ भी लाभ नहीं है। मंत्री ने कहा, आप ही सौहार्द की भावना से राजा के लिए उस धेनु को दे दीजिए, यही अच्छा है। और ऐसा आप नहीं करते हैं तो उसको बलपूर्वक ले लेने पर आप क्या करेंगे? जमदग्नि मुनि ने कहा, राजा तो ब्राह्मणों के लिए दान प्रदान करने वाला हुआ करता है, यदि वही ब्रह्मस्व का आहरण करता है तो मैं तो विप्र हूँ, मैं स्वेच्छा से वितरण करने के बिना उसका क्या करूँगा। वशिष्ठ जी ने कहा, जब इस रीति से उस चंद्रगुप्त मंत्री से ऋषि के द्वारा कहा गया तो वह पाप पूर्ण ज्ञान वाला मंत्री
बहुत क्रोधित हो गया था। फिर उसने मुनि की उस पयस्विनी धेनु का बलपूर्वक अपहरण करना आरंभ कर दिया था। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पुनः जब मदग्नि मुनि ने क्रोध से समन्वित होते हुए उससे कहा था, एक ज्ञानी पुरुष के द्वारा ब्रह्मस्व का कभी भी अपहरण नहीं करना चाहिए। हे दुष्ट मति वाले, बलात् मुझसे मेरी गौ का हरण करके तू महान पाप को प्राप्त हो जाएगा। यदि तू ऐसा ही करेगा तो मैं जानता हूँ कि आयु को परीक्षीण कर रहा है। बलपूर्वक जो इसको लेने की इच्छा कर रहा है वह किसी भी रीति से नहीं लिया जा सकेगा। यदि यही करेगा तो तू स्वयं ही सायुज्य को प्राप्त हो जाएगा अथवा तेरा राजा विनष्ट हो जाएगा। बिना दान के तपस्वी ब्राह्मणों की वस्तु का बल से छीन लेना शतायु कार्त वीर्याजुन के सिवाय अन्य कौन जीवित रहने की इच्छा वाला होता है? अर्थात ऐसा कोई भी नहीं करना चाहता है। वह तेरा राजा ही है जो ऐसा करना चाहता है। इस तरह से जब मुनि के द्वारा उस मंत्री से कहा गया था तो वह मंत्री काल से प्रेरित होकर उस दुष्कर्म में प्रवृत्त हो गया था और बल से समन्वित उस मंत्री ने परम सुदृढ़ पाशों से उस होम धेनु को बांध करके अपने साथ ले जाने के लिए खींचा था। इसके अनंतर क्रोध से भविष्य में होने वाले कर्म से प्रेरित होते हुए जमदग्नि ने गौ के खींचते हुए उस मंत्री को अपनी शक्ति को भरपूर लगाकर जैसी शक्ति उनमें थी उसी के अनुसार रोका था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने जीते जी इस धेनु को नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए उनको बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और उस महामुनि ने बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी दोनों बाहुओं को उस धेनु के कंठ में डालकर उसको बलपूर्वक पकड़ लिया था। इसके अनंतर क्रोध से परीत आत्मा वाले उस अत्यंत नीच चंद्रगुप्त ने अपने सैनिकों को आज्ञा दे दी थी कि इस मुनि को बलपूर्वक हटा दो। वह मुनि इस लोक में ऐसे थे कि कोई भी उनको प्रदर्शित नहीं कर सकता था, तथापि राजा के किंकरों ने उस ऋषि को अपने स्वामी की आज्ञा से बलपूर्वक चारों ओर से घेर लिया था। सैनिकों ने सेतु के समीप से बहुत दूर तक उस ऋषि को हटाते हुए उस पर दंडों से, कशाओं से, लाठियों से और घूसों से पीट रहे थे। वे ऋषि इस तरह से पीटे और मारे जाने पर भी बहुत व्यथित होकर क्रोध से संयुक्त तो हो गए थे, तो भी उन्होंने विशेष क्रोध का भाव प्रकट नहीं किया था, क्योंकि वे ये भी जानते थे कि क्रोध का ना करना सत्पुरुष का परम धन होता है। वे मुनिवर अपने तप के प्रभाव से शत्रु का संहार करने के लिए और अपनी रक्षा करने में भी परम समर्थ थे, किंतु यह संपूर्ण जगत का क्षय है यही विचारते हुए उन्होंने विशेष क्रोध नहीं किया था। वे पूर्व काल में अत्यधिक क्रोध करने वाले थे, किंतु राम ने अपनी माता के लिए उनको प्रसादित किया था, तभी से फिर वे महान तपस्वी नित्य राम शांत हो गए थे। वे मुनि बहुत ही अधिक मारे पीटे गए थे। उस मार के प्रहारों से उनके मंग की अस्थियों के बंधन सब चूर्णित हो गए थे और फिर वे महान तेज वाले मुनि चेतना शून्य होकर भूमि में गिर गए थे। विशेष शंका से युक्त उस दुष्ट आत्मा वाले ने उस महामुनि के धरनी पर गिर जाने पर अपने किंकरों को आदेश दिया था कि बलपूर्वक बहुत ही शीघ्र उस धेनु का आनयन करें, अर्थात उसको ले जाएं। इसके पश्चात हे नृप, वत्स के सहित उस धेनु को परम सुदृढ़ पाशों से बांधकर चाबुकों के प्रहारों से उसको पीटते हुए ले जाने की इच्छा से वे किंकर उसे खींच रहे थे। जब बहुत से किंकर गणों के द्वारा वह खींची जा रही थी तथा चाबुकों से और लाठियों से मारी पीटी जा रही थी, तो वह तपस्विनी उनसे बहुत ही क्रोध में भर गई थी। अत्यधिक चाबुकों के प्रहार उस पर हुए थे तो वह धेनु बहुत व्यथित हो गई थी और महान क्रोध से भी समन्वित हो गई थी। फिर उस धेनु ने उस सुदृढ़ पाशों को खींचकर अपने आप को उनसे छुड़वा लिया था। जब पाशों के बंधन से वह विमुक्त हो गई थी तो सैनिकों ने सब ओर से उसे घेर लिया था। उस समय में क्रोध से दुहा की ध्वनि करती हुई वे सभी ओर आक्रमण करने वाली हो गई थी। फिर अत्यंत अमर्षित होकर उसने अपने सभी ओर से विषाण खुर और पूंछ के अग्रभाग से संपूर्ण राजा के मंत्री की सेना को वहां से दूर खदेड़ दिया था। वे पयस्विनी समस्त किंकरों को वहां से दूर भगाकर सबके देखते हुए बड़े ही वेग से अंतरिक्ष में चली गई थी। इसके अनंतर वे सब अपने संकल्पों के भग्न हो जाने वाले हो गए थे और उनके सबके शरीर क्षतों से प्रभग्न हो गए थे। वे अत्यंत जघन्य बलपूर्वक उस धेनु के वत्स को ही बांधकर वहां से चले गए थे। फिर वे पापात्मा बना पयस्विनी के उसके वत्स का ग्रहण करके अपने सेवकों के साथ राजा के समीप में समागत हो गया था। राजा के समीप में गमन करके प्रशंसा करने वाले उसने राजा का प्रणाम किया था और भय से भीत उसने वहां का संपूर्ण वृत्तांत राजा के समक्ष में वर्णित किया था। परशुराम की प्रतिज्ञा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा,
राजा कीर्तवीर्य यह संपूर्ण जमदग्नि मुनि के वध आदि का वृत्तांत श्रवण करके बहुत ही अधिक उद्विग्न चित्त वाला हो गया था और वह अनेक प्रकार की बातों के विषय में चिंतन करने लग गया था। अहो, मैं दोनों ही लोकों में बहुत अधिक क्रूर हो गया हूँ, क्योंकि मैंने ब्रह्मत्व के अपहरण करने में अपनी इच्छा की थी और अतीव गर्हित उस मुनि की हत्या का पाप भी मुझे लग गया है। अहो, मैंने उस ज्ञाता पुरोहित विप्र की बात को नहीं सुना था, अर्थात उसके कथन का पालन नहीं किया था। विमूढ़ आत्मा वाले निर्लज्ज, मैंने उसकी वाणी का त्याग कर दिया था। यही सोचते हुए बहुत ही दुखित हृदय से वे अपनी सेना और अनुगामियों के ही सहित अपने पुर की ओर चल दिया था। उस राजा के पुरी की ओर चले जाने पर, जो कि अपने समस्त परिकर के साथ था, हे राजन, रेणुका सहसा अपने आश्रम से निकली थी। इसके पश्चात उस रेणुका ऋषि पत्नी ने संपूर्ण अंगों में क्षतों वाले, रुधिर से लथपथ, चेष्टा से रहित अर्थात बेहोश और भूमि पर पड़े हुए अपने पति को देखा था। इसके अनंतर उस रेणुका अपने भर्ता को चेतना से शून्य निहत मानकर वज्राघात से चोट खाई हुई के समान मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। बहुत देर में फिर भूमि से उठकर वह अत्यंत दुखित हुई थी और बारंबार और फिर पछाड़ खाकर गिरती हुई ऊंचे स्वर में उसने रुदन किया था। धरनी की धूल से धूसर होती हुई उसने बहुत ही अधिक विलाप किया था। उसका मुख झरझर गिरते हुए आंसुओं से संयुक्त और परम दीन होकर शोक के महान सागर में निमग्न हो गई थी। उसने अपने करुण क्रंदन में कहा था, हे नाथ, आप तो मेरे परम प्रिय थे और अब धर्म के पूर्ण ज्ञाता थे। हे स्वामिन, आप दक्षिण्य रूपी अमृत के महान सागर थे। हाँ, मुझे धिक्कार है, आप तो अत्यंत शांत स्वरूप वाले थे, किंतु इस प्रकार से आपने कभी भी कांक्षा नहीं की थी। हे मान प्रदान करने वाले, अभी अभी तो आप अपने आश्रम से निकले थे, तुरंत ही अनाथ मुझको दुखों के महान घोर सागर में पटक कर आप कहाँ पर चले गए हैं। सत्पुरुषों के सप्तपदी की मित्रता में मुझे अपने ग्रहण किया था, अब मैं आपसे उस सप्तपदी के विपरीत मुशित हो रही हूँ कि आपका सहवास मेरा छूट रहा है। जहाँ पर भी आप अकेले जा रहे हैं, वहीं पर मुझको भी अपने ही साथ में ले जाने के योग्य आप हैं। आपको ऐसी मूर्छित एवं मृत दिशा में पतित हुओं को देखकर भी तुरंत ही मेरा हृदय विदीर्ण नहीं हो रहा है। ये क्या बात है, निश्चय ही स्त्रियों का हृदय बहुत ही निष्ठुर होता है। इस प्रकार से महान घोर विलाप करती हुई और बार बार क्रंदन करती हुई, हे राम यह कहकर अत्यंत दुख में परिप्लुत होकर रुदन कर रही थी। तब तक वह राम समिधाओं के भार का वहन करते हुए अकृत व्रण के सहित वन से अपने आश्रम के लिए वापिस आया था। मार्ग में उस राम ने किसी आने वाले भय की सूचना देने वाले बहुत से अशकुनों को देखा था और उनको देखते हुए उसका हृदय अधिक उद्विग्न हो रहा था। फिर वह अपने आश्रम में पहुंचा था। उस अपने पुत्र राम को आते हुए देखकर वह रेणुका अत्यंत आतुर होकर रुदन करने लगी तथा उसका वह शोक नया सा हो गया था और फिर वह दाढ़ मारकर रुदन कर रही थी। हे राजन, अपने पुत्र राम के सामने अपने भर्ता के वियोग जन्म दुख से बहुत ही उत्पीड़ित होकर उसने दोनों करों से अपने वक्षस्थल को भली भांति ताड़ित किया था। राम ने भी आते हुए मार्ग में ही यह सब वृत्तांत जान लिया था और जब उसने अपनी जननी को शोक से अधिक आर्त होकर कुररी के समान विलाप कलाप करती हुई देखा था तो उसको बड़ा ही दुख प्राप्त हुआ था। राम बहुत ही मेधा संपन्न थे, उन्होंने धैर्य का सहारा लिया था, जो कि उस समय में दुख और शोक में निमग्न था। उसके दोनों नेत्रों में आंसू भरे हुए थे, वह भूमि पर ही नीचे की ओर मुख करके स्थित हो गया था। उस समय में अकृत व्रण ने राम को उस प्रकार की अवस्था में अवस्थित देखकर राम से कहा था, हे भृगुकुल में शार्दूल के सदृश पुरुष, यह क्या हो रहा है? ऐसा शोक मग्न हो जाना आपके लिए उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। हे महाभाग, आपके समान परम धीर और ज्ञान संपन्न पुरुष किसी भी दशा में अत्यधिक शोक नहीं किया करते हैं। जो धैर्यशाली महान पुरुष हुआ करते हैं, वे हानि होने पर बहुत दुख नहीं किया करते हैं। यह शोक बहुत ही बुरा होता है, जो कि समस्त इंद्रियों का परिपोषण करने वाला है। हे महाबाहो, अब आप इस शोक का परित्याग कर दीजिए। आपके समान पुरुष शोक करने के पात्र नहीं हुआ करते हैं। शोक तो निश्चय ही लौकिक और परमार्थिक प्रयोजनों का एकांत अवरोधक होता है। फिर आप अपने हृदय में ऐसे दुखद शोक को अवकाश क्यों दे रहे हैं? इस कारण से अब आप धैर्य के धन वाले होकर अर्थात धीरज धारण करके रुदन करवी हुई और विधवा होने की विभीषिका से बुद्धिहीन होकर पड़ी हुई अपनी माता को परी सांत्वना दीजिए। इस संसार में जो भी वस्तु अतिक्रांत हो गई है अर्थात जो प्राणी देह का त्याग कर चल बसा है, उसका फिर यहाँ उसी रूप में आगमन कभी भी नहीं होता है।
इस कारण से जो कुछ भी व्यतीत हो गया है उस सब का त्याग करके आगे जो भी करने योग्य कृत्य हैं उसका ही परिचिंतन आप करिए। इस रीति से उसके द्वारा सांत्वना दिए हुए राम ने परम दुख से समन्वित होते हुए भी धीरे धीरे अपनी ही आत्मा से अर्थात अपने ही आत्मज्ञान से अपने आप को संस्तंभित कर दिया था। रेणुका तो महान और परम घोर शोक से घिरी हुई होकर बारंबार रुदन कर रही थी और उसने अपने दोनों करों से 21 बार अपने वक्ष स्थल को प्रताड़ित किया था। इसी बीच में राम ने अपनी जननी के समीप में समुपस्थित होकर अपनी आँखों में भरे हुए अश्रुओं से समन्वित होते हुए रुदन करने वाली रेणुका से कहा था कि धीरज धारण करो। इस तरह से अपनी माता को सांत्वना दी थी। अपने स्वामी के वियोग जन्य शोक में डूबी हुई उस माता रेणुका के दुख को दूर करते हुए उस राम ने कहा था कि आपने जो यह इस समय में 21 बार अपने वक्ष स्थल को प्रताड़ित किया है उतनी ही बार संख्या में मैं इस कारण से इस भूमंडल में सर्वत्र क्षत्रिय जाति का पूर्ण रूप से हनन करूंगा। यह मैं आपके समक्ष में पूर्णतया सत्य बोल रहा हूँ, अर्थात इस कार्य में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं होगी। इसलिए अब आप इस शोक का परित्याग करके अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। यह तो निश्चित बात है कि जो वस्तु यहाँ से चली गई है उसका पुनः यहाँ पर आगमन नहीं होता है, अर्थात मृत प्राणी फिर कितना ही चाहे शोक दुख किया जाए वापस नहीं आया करता है। अतः फिर इतना अधिक शोक करना व्यर्थ ही है। उस राम के द्वारा इस प्रकार से समझाई हुई रेणुका असहाय दुख के भार से समन्वित थी, तथापि बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण किया था और अब विशेष शोक में नहीं करूंगी अपने पुत्र राम को उत्तर दिया था। हे राजन, इसके उपरांत राम ने अपने सहोदर भाइयों के साथ विधि पूर्वक अपने पिता के देह को अग्नि में दाह करने का कार्य आरंभ किया था। अपने भर्ता के वियोग से समुत्पन्न शोक से परीत अंगों वाली तथा परम सुदृढ़ पतिव्रत धर्म से युक्त रेणुका ने भी अपने समस्त पुत्रों को बुलाकर उनसे यह वचन कहा था। रेणुका ने कहा, हे पुत्रो, मैं अब आप लोगों के परमाधिक पुण्यशील स्वर्ण में गए हुए पिता का ही मैं अनुगमन यहाँ करना चाहती हूँ। सो आप लोग सब मुझे ऐसा करने की आज्ञा देने के लिए योग्य होते हो। विधवा हो जाने का दुख बहुत ही असत्य होता है, उसे सहन करती हुई मैं कैसे कैसे रहूंगी और अपने स्वामी के विरह वाली विशेष रूप से निंदित होकर इस संसार में अपना जीवन प्रवृत्त करूंगी। इस कारण से मैं अपने परम प्रिय स्वामी का अनुगमन करूंगी, अर्थात उनकी ही देह के साथ सती हो जाऊंगी, जिससे परलोक में भी निरंतर उनके ही साथ रह सकूंगी। जलती हुई इसी अग्नि में प्रवेश करके कुछ ही समय में मैं अपने स्वामी की पितृलोक में प्रिय अतिथि बन जाऊंगी। हे पुत्रो, यदि आप लोग मेरे अभिप्सित चाहते हैं अर्थात मेरे प्यारे बनना चाहते हैं तो अनुवाद के बिना उस कर्म में आप लोगों को प्रतिकूल होकर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इस रीति से इन वचनों को ही कहकर रेणुका सुदृढ़ निश्चय वाली हो गई थी तथा अग्नि में प्रवेश करके अपने स्वामी का अनुगमन करने के लिए उसने मन में ठान ली थी। इसी काल में पुत्रों के सहित रेणुका को संबोधित करके अत्यंत गंभीर बिना शरीर वाणी अर्थात अंतरिक्ष में कही हुई वाणी ने कहा था, हे रेणुके, परम सावधान होकर अपने पुत्रों के सहित मेरी वाणी का श्रवण करो। हे भद्रे, तुम साहस मत करो, मैं आपका प्रिय वचन कहूंगा। अपनी आत्मा के हित की अभिलाषा रखने वाले किसी को भी साहस कभी नहीं करना चाहिए। आपको नहीं मरना चाहिए क्योंकि जो प्राणी जीवित रहता है वह शुभ कर्मों को देखा करता है। इसलिए आप धैर्य के धन वाली होकर काल की प्रतीक्षा की आकांक्षा वाली हो। हे शुचि स्मित वाली, भले ही कुछ ही निमित्त को अंतरित बनाकर ऐसा करो, बहुत ही स्वल्प समय में आपके भर्ता सचेतन हो जाएंगे अर्थात जीवित हो जाएंगे। हे शोभने, जब उनमें जीवन समुत्पन्न हो जाएगा तो आपकी कामना पूर्णतया प्राप्त हो जाएगी और फिर विशेष अधिक काल पर्यंत अनेक कल्याणों की भाजन होने वाली होंगी। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार के उस अंतरिक्ष वाणी के वचन का श्रवण करके रेणुका ने धैर्य का आलंबन ग्रहण किया था और उसके जो पुत्र थे उन्होंने भी उसके वचनों के गौरव से परम प्रसन्नता प्राप्त की थी। इसके पश्चात उन्होंने उस मुनि अपने पिता के मृत शरीर को आश्रम के भीतर ले जाकर रख दिया था और उसको वहां लिटाकर निवात में वे उसके चारों ओर बैठ गए थे। जिस समय में वे वहां पर बहुत ही खिन्न आत्मा और मनो वाले बैठे हुए थे तो उस बेला में उनको बहुत से परम शुभ एवं महान निर्मित हुए थे, अच्छे शकुन दिखाई दिए थे। इस रीति से जब शुभ शकुन दिखाई दिए तो उनको देखने से वे श्रेष्ठ मुनिगण परम आश्वस्त मन वाले हो गए थे, अर्थात उनको कुछ शुभाशा हुई थी। वे सभी अपने पिता के जीवन की आकांक्षा करते हुए माता के साथ वहां पर बैठ गए थे।
हे राजन, इसी बीच में भृगु के वंश को धारण करने वाले मतिमान मुनि विधि के बल से यदृच्छा से ही वहां पर समागत हो गए थे। वे मुनि अथर्ववेद की साक्षात विधि के स्वरूप वाले थे और अन्य सभी वेदों तथा वेदों के अंग शास्त्रियों के परिगामी मनीषी थे। वे समस्त शास्त्रों के पारगामी मनीषी थे। वे समस्त शास्त्रों के तात्विक अर्थों के ज्ञाता विद्वान थे और समस्त असुरों के द्वारा वंदित थे। जो मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होती है, ऐसी मृत प्राणियों को भी जीवित कर देने वाली विद्या को जानते थे। जब भी देवों के द्वारा रण में दानव निकृत हो जाया करते हैं तो इसी मृत संजीवनी विद्या से उनको उठा दिया करते हैं, अर्थात जीवित बना देते हैं। जिस महामुनि ने औष्णस शास्त्र को प्रणीत किया था, जो राजाओं के राज्य के फल का प्रदान करने वाला है और आज भी यहाँ पर नृपगण अनुजीवित रहते हैं, वह महामुनि उस आश्रम में पहुंचकर अंदर प्रविष्ट हुए थे और उन्होंने उस अवस्था में अवस्थित सबको दुख से परिप्लुत हुए देखा था। इसके अनंतर उन सबने वंश के पिता भृगु मुनि का दर्शन प्राप्त करके बड़े ही आनंद के साथ वे सब खड़े हो गए थे और गोत्रोत्थान देकर सबने उनका बड़ा सत्कार किया था तथा प्रणाम करके भृगु मुनि को आसन समर्पित किया था। उस महामुनि ने आशीर्वादों के द्वारा सबका अभिनंदन करके उनसे उन्होंने पूछा था कि यह क्या हुआ है। इस पर उन्होंने पूरा वृत्तांत, जो भी वहां पर घटनाएं घटित हुई थी, भृगु मुनि की सेवा में निवेदित कर दी थी। यह सारा वृत्तांत सुनकर मंत्र शास्त्र के महामनीषी भृगु मुनि ने बहुत ही शीघ्र जल लेकर यह उच्चारण करते हुए संजीवनी विद्या से उस जमदग्नि के देह को अभिषिक्त किया था। यदि मेरे तप का और यज्ञ का वीर्य शुभ है तो उसके प्रभाव से यह जमदग्नि सोकर उठे हुए के ही समान शीघ्र ही जीवित हो जाए। इस प्रकार से इस परम शुभ वाक्य को साधुकारी भृगु मुनि के द्वारा उच्चारित होने पर शीघ्र ही जमदग्नि साक्षात दूसरे देवगुरु के ही सदृश समुत्थित हो गया था। जब उठा तो उसने वहां पर संस्थित वंदना करने के योग्य अपने पितामह भृगु मुनि का दर्शन किया था। हे नृपते, उस जमदग्नि ने भक्ति की भावना से प्रणाम करके दोनों हाथों को जोड़कर उनसे कहा था। जमदग्नि ने कहा, मैं परम धन्य तथा कृतकृत्य हो गया हूँ और मेरा जीवन आज सफल हो गया है। जो सुरगण और असुरों के द्वारा वंदित आपके चरण कमल हैं, उनका आज मैं अपने नेत्रों से अवलोकन कर रहा हूँ। हे मान के प्रदान करने वाले भगवन, मैं आपकी इस समय में क्या शुश्रूषा करूँ, मुझे आप आज्ञा कीजिए। हे विभो, आप अपने चरणों के जल कणों के द्वारा अपने ही इस कुल को पुनीत बनाइए। इतना कहकर आनंद से समन्वित होते हुए सहसा राम के द्वारा अर्घ्य लाया था। भक्ति भाव से अपनी गर्दन झुकाने वाले उस जमदग्नि ने उन भृगु मुनि के चरणों के प्रक्षालनार्थ जल समर्पित किया था। महान यश वाले उस जमदग्नि ने अपने समस्त कुटुंब के सहित उस चरणों के तीर्थ जल को अपने सिर पर धारण किया था। इसके उपरांत उनका पूर्ण सत्कार करके परम विनय से समन्वित होते हुए भृगु से पूछा था, हे भगवान, आप कृपया बतलाइए कि उस महान दुष्ट राजा ने यह क्या पातक किया था जिसका आतिथ्य सत्कार मैंने बड़े ही विधि विधान से किया था। हे महामते, मैंने यह सब बहुत ही अच्छी बुद्धि से किया था और मेरे हृदय में कुछ भी कपट का भाव नहीं था, फिर भी उस आत्मा वाले ने मेरे साथ यह ऐसा क्यों दुर्व्यवहार किया था। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार से जब जमदग्नि के द्वारा सब कुछ के ज्ञाता ईश्वर और महामतिमान भृगु से पूछा गया, तब हे भूपते, भृगु मुनि ने बहुत काल पर्यंत ध्यान करके भली भांति अवलोकन किया था और फिर इस सब घटना के घटित होने का जो भी कुछ कारण था वह कहा था। भृगु मुनि ने कहा, हे महान भाग वाले तात, इस कुत्सित कर्म का जो भी बीज है उसी को आप सुन लीजिए। हे अनग, जिस हे राजा ने सर्वज्ञ आपका निश्चित रूप से पाप किया था, बहुत प्राचीन समय में वशिष्ठ मुनि ने विनाश होने के लिए उस राजा को शाप दे दिया था। वह शाप वही था कि हे मूढ़, द्विज के अपराध करने से तेरा सब वीर्य विक्रम विनाश को प्राप्त हो जाएगा। मुनि तो सर्वदा सत्य वक्ता होते हैं, अतः उस महामुनि का वचन किस प्रकार से अन्यथा होगा। यह आपका पुत्र राम महान वीर्य वाले उस श्रेष्ठ नृप को बलपूर्वक मार देगा। हे महाबाहो, यह पहले ही ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका है। कारण यह है कि वियोग के शोक से संतप्त होकर मेरे ही समक्ष से अपने वक्ष स्थल को प्रताड़ित किया है। आपको अपने उरस स्थल को बहुत ही दुख से परीत होकर 21 बार प्रताड़ित किया है, सो मैं भी 21 बार ही इस संपूर्ण भूमंडल को क्षत्रियों से रहित करूंगा। हे मानद, इसलिए पिता, आपके द्वारा ये निरंतर रोके जाने पर भी भविष्य में होने वाले अर्थ के बल से ऐसा अवश्य ही करेगा, क्योंकि ऐसा ही होनहार है।
ये साक्षात भक्त और महात्मा है, उसके वध करने में पातक भी होगा। इसी रीति से कहकर हे महाराज, उन ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु मुनि ने फिर यह भी कहा था कि वह राजा महान भाग वाला है और वृद्धों की उपासना करने वाला है। साक्षात भगवान हरि के अंश दत्तात्रेय मुनि से उसने ज्ञान प्राप्त किया है और महती मती से सुसंपन्न है। ऐसे का वध करना भी महान पातक है। इतना ही कहकर भविष्य में आने वाले काल के पर्यंत से वे विद्वान भृगु जैसे ही आए थे वैसे ही वहां से चले गए थे। परशुराम का शिवलोक गमन। राजा सगर ने कहा, हे महाभाग, हे ब्रह्मा पुत्र, अब आप कृपया करके भार्गव के चेष्टित का वर्णन कीजिए। महान वीर्य वाले राम ने राजा के इस कुत्सित कर्म से क्रुद्ध होकर जो भी कुछ किया था। वशिष्ठ जी ने कहा, जब महाभाग भृगु मुनि वहां से चले गए थे तो उस समय में पिता के चरणों की सेवा में तत्पर रहने वाले राम ने बारंबार अत्युष्ण श्वासों का मोचन करते हुए बहुत ही क्रुद्ध होकर कहा था। परशुराम ने कहा, अहो, उत्पत के गमन करने वाले राजा की मूर्ता को देखिए। जिस कार्तवीर्य ने परम विद्वान होते हुए भी एक तपस्वी ब्राह्मण के वध करने का उद्यम किया था, मैं यह बात मानता हूँ कि देव बड़ा बलवान होता है। जिस देव के प्रभाव से शरीरधारी लोग सभी विमोहित होते हुए चाहे कोई कर्म शुभ हो अथवा अशुभ हो उसको किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि भाग्यवश अशुभ से भी महान अशुभ कर्म को कर डालते हैं। इस समय में सभी ऋषिगण कानों को खोलकर श्रवण करें कि मेरे द्वारा यह प्रतिज्ञा की जा रही है कि मैं रण क्षेत्र में इस महादुष्ट कार्तवीर्य राजा को मारकर अपने पिता के बैर का बदला लूंगा। यदि उस राजा की रक्षा करने के लिए समस्त इंद्र आदि सुरगण तथा दानवगण भी आएंगे तो भी मैं इस दुष्ट राजा का संहार कर दूंगा। इसमें लेश मात्र भी मिथ्या नहीं होगा। महान और सुंदर आत्मा वाले राम के द्वारा इस रीति से प्रतिज्ञा वचनों का श्रवण करके जमदग्नि ने बड़े ही साहस से भाषण करने वाले अपने पुत्र राम से यह कहा था। जमदग्नि ने कहा, हे राम, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं सत्पुरुषों के सनातन धर्म को बतलाऊंगा, जिसको सुनकर सभी मानव धर्म के करने वाले हो जाया करते हैं। महान भाग्य वाले साधुजन होते हैं और जो इस संसार से निरंतर जन्म मरण के महान कष्ट से छुटकारा पाने की आकांक्षा रखने वाले हैं, वे कभी भी किसी पर प्रकोप नहीं किया करते हैं। चाहे कोई उनको प्रताड़ित अथवा निहत भी क्यों ना करें तो भी वे कुपित नहीं हुआ करते हैं। जो महाभाग क्षमा को ही धन मानने वाले हैं तथा परम दानशील और तपस्वी होते हैं, उन साधु कर्म करने वालों के लिए निरंतर लोक अक्षय होते हैं। जो महापुरुष हैं वे दुष्टों के द्वारा दंड आदि से ताड़ित होते हुए और बुरे वचनों द्वारा निर्भत्सित होते हुए भी कभी मन में क्षोभ नहीं किया करते हैं, वे ही पुरुष साधु कहे जाया करते हैं। ताड़न करने वाले को जो ताड़ित किया करता है वह कभी भी साधु नहीं हो सकता है, प्रत्युत पाप का भागी ही होता है। हम लोग तो ब्राह्मण और साधु हैं, क्षमा रखने के ही द्वारा परम पूज्य पद को प्राप्त हुए हैं। सामान्य जन के वध से भी अधिक एक राजा के वध करने में महान पातक होता है, क्योंकि राजा में भगवान का अंश होता है। इसी कारण से मैं अब आपको निवारित करता हूँ और यह उपदेश देता हूँ कि क्षमा को धारण करो तथा तपश्चर्या करो। वशिष्ठ जी ने कहा, नृप नंदन, इस रीति से भली भांति दिए हुए आदेश को समझकर राम ने परमाधिक क्षमा के स्वभाव वाले और अरियों के दमन करने वाले अपने पिताजी से कहा। परशुराम ने कहा, हे महाप्राज्ञतात, अब आप मेरी विज्ञप्ति का श्रवण कीजिए। आपने जो श्याम बतलाया है वह महान आत्मा वाले साधु पुरुषों का है। वह श्याम साधु पुरुषों के प्रति दीनजनों पर और ईश्वर की भावना से संयुक्त गुरुजनों में ही करना चाहिए। जो दुष्ट जन हैं, उनमें किया हुआ शाम कभी भी सुख देने वाला नहीं हुआ करता है। इसी कारण से इस दुष्ट कार्तवीर्य का वध तो मेरे द्वारा करने के ही योग्य है, हे सम्मान करने के योग्य। आज तो आप मुझे अपनी आज्ञा प्रदान कर दीजिए कि मैं अपने बैर का बदला ले लूं। जमदग्नि मुनि ने कहा, हे महाभाग राम, अब आप बहुत सावधान होकर मेरे वचन का श्रवण करो। यह मैं जानता हूँ कि जो कुछ होने वाला है उसे ही तुम अवश्य करोगे, इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं होगा। अब आप यहाँ से ब्रह्मा जी के समीप में चले जाओ और उनसे हे तात, अपना हित और अहित पूछिए। वे विभु जो भी कहेंगे उसी को आप करना, फिर इसमें कुछ भी संशय नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, जब राम के पिता के द्वारा इस प्रकार से राम से कहा गया था तो उस महामती ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया था और फिर वह ब्रह्मा जी के लोक को चला गया था। जो लोक सामान्य प्रकृत जनों के द्वारा गमन करने के योग्य नहीं था, उस परशुराम ने ब्रह्मा जी के उस लोक को देखा था जो लोक स्वर्ण के ही द्वारा बना हुआ था।
उस लोक का प्राकार भी सुवर्ण से संयुक्त था और वह लोक मणियों में अनेक स्तंभों से विभूषित हो रहा था। वहां पर उस लोक में अपरिमित ओज से समन्वित विराजमान ब्रह्मा जी का उस राम ने दर्शन किया था, जो परम रम्य रत्नों के सिंहासन पर समासी न थे और रत्नों के ही भूषणों के समलंकृत थे। उन ब्रह्मा जी को चारों ओर से बड़े बड़े सिद्धों और मुनिंद्रों ने ध्यान में समासक्त होकर घेर रखा था तथा वहां पर उनके सामने विद्याधरियों का नृत्य हो रहा था, जिस नृत्य को बड़े ही आनंद के साथ मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी उस समय में तपों के फल को प्रदान करने वाले, जगतों की रचना करने वाले, व्यापक और परिपूर्ण तप ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे तथा उन्होंने अपने मन को नियमंत्रित कर रखा था। जो वहां पर भक्तों के समुदाय विद्यमान थे, उनको निरंतर परम गोपनीय योग को वे बतला रहे थे। इस रीति से विराजमान अव्यय उन ब्रह्मा जी का भक्ति भाव से दर्शन प्राप्त करके उस भृगुकुल में समुत्पन्न राम ने उनके चरणों में प्रणिपात किया था। उन ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से नत उस रास को देखकर आशीर्वचनों के द्वारा उसका अभिनंदन किया था। फिर उस राम ने ब्रह्मा जी से उसका कुशल पूछा था। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने राम से कहा था, हे वत्स, तुमने किस प्रयोजन से यहाँ पर मेरे समीप में आगमन किया है? जब ब्रह्मा जी ने इस रीति से राम से पूछा था, तो उसने आरंभ से संपूर्ण वृत्तांत कहकर उनको सुना दिया था, जिसमें कार्तवीर्य राजा के द्वारा जो कुछ किया गया था और महात्मा अपने पिता जमदग्नि पर जो कुछ दुख पड़ा था, यह सभी हाल था। इस संपूर्ण वृत्तांत का श्रवण करके, हे मानद, यद्यपि ब्रह्मा जी को यह सभी बातें पहले ही विज्ञात थी, तथापि उन्होंने पूछकर सब कुछ सुना था और परिणाम में सुख आवहन करने वाले धर्मिष्ठ राम से कहा था, हे वत्स, आपकी यह प्रतिज्ञा बड़ी ही दुर्लभ है, जिसको क्रोध के वशीभूत होकर आपने किया है। हे बटो, यह सृष्टि तो भगवान की कृपा से ही होती है। हे तात, यह आपको ज्ञात ही है कि उन्हीं परम प्रभु की आज्ञा से बड़े ही क्लेश के द्वारा इस समस्त जगत का सृजन किया है और आपने इसी सृष्टि के नाश करने वाली प्रतिज्ञा कर डाली है। आप तो केवल एक ही राजा के दोष से तथा अपने पिता के तिरस्कार के होने से इस भूमि को 21 बार भूपों से रहित करना चाहते हैं। यह सृष्टि तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों से समन्वित सर्वदा से ही चली आने वाली है। इसका आविर्भाव और तिरोभाव तो बार बार भगवान हरि से ही हुआ करता है। आपकी जो प्रतिज्ञा है वह भी अव्यर्थ होने वाली ही है और प्राक्तन अथवा आयास से आपके कार्य की सिद्धि होने के योग्य होती है। अब मेरा मत यही है कि शिवलोक में गमन कीजिए और अपनी की हुई प्रतिज्ञा के विषय में भगवान शिव की आज्ञा को प्राप्त कीजिए। कारण यह है कि इस भूमंडल में बहुत से भूप भगवान शिव के सेवक हैं। बिना महेश्वर की आज्ञा प्राप्त किए हुए किसकी सामर्थ्य है कि उन सब भूपों का हनन कर सके? ये सब शिव के भक्त राजा लोग अपने अंगों में कवच धारण करने वाले हैं तथा दुरासदत को भी ये सब धारण किया करते हैं। यत्न के साथ उपाय करिए। जप का बीज शुभ का आवाहन करने वाला है। जब उपाय का आरंभ कर दिया जाता है तो उसके कर देने पर सभी उपक्रम सिद्ध हो जाया करते हैं। अपने गुरुदेव हर से, हे वत्स, श्री कृष्ण का मंत्र और वज्र का ग्रहण करो। उससे दुर्लंघ्य, वैष्णव तेज और शिव की शक्ति हो जाएगी, जो कि विजय करेगी। भगवान शिव के पास एक त्रैलोक्य के विजय करने वाला इसी नाम का परम दुर्लभ कवच विद्यमान है। ये कवच अतीव अद्भुत है। जिस किसी भी प्रकार से भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे इसके प्राप्त करने की प्रार्थना करो और इस दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति उनसे करो। आपके गुण गणों से वे भगवान शिव प्रसन्न हैं और वे बहुत ही दयालु तथा दीनों पर प्यार करने वाले हैं। वे तुमको अपना दिव्य पाशुपत अस्त्र भी अवश्य ही प्रदान कर देंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। परशुराम का शिवाराधन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वह राम ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर फिर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत ही प्रसन्न चित वाला होता हुआ वहां से शिव के लोक को चला। वह शिव का लोक वहां से 100,000 योजन ऊपर की ओर था और वह इस ब्रह्मा जी के लोक से भी अधिक विलक्षण था। उसका वर्णन वचनों के द्वारा तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा ही वह अनिर्वचनीय और पर से भी पर था तथा योगी जनों के ही द्वारा गमन करने के योग्य था। जिस शिवलोक से वैकुंठ तो दक्षिण दिशा में है और गौरी लोक बाईं ओर है तथा जिनके नीचे की ओर ध्रुव लोक है, वह शिवलोक सभी लोकों से पर है। तपश्चर्य और बल विक्रम के वीर्य की गति वाले उस राम ने उस शिवलोक का दर्शन कर लिया था। वह अनेक प्रकार के कौतुकों से युक्त था तथा उसकी समानता रखने वाला अन्य कोई भी उपमान ही नहीं था। वह ऐसा लोक था जहाँ पर केवल महान योगींद्र सिद्ध और परम शुभ पाशुपत ही निवास किया करते हैं।
जो करोड़ों कल्पों तक तपस्या करने के महान पुनीत पुण्य वाले, परम शांत शील स्वभाव वाले और मत्सरता से रहित जन थे, वे ही उस लोक के निवास करने वाले थे। वह लोक पारिजात मुख वाले वृक्षों से तथा कामधेनुओं से परम सुशोभित था, जिन सबका योगिरा आधिराज भगवान शंकर ने अपने ही योग बल से स्वेच्छा पूर्वक सृजन किया था। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु कामधेनु कही जाती है तथा मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष कल्प वृक्ष होता है। उन्हीं का एक भेद पारिजात देव वृक्ष है। इस लोक की रचना ऐसी ही परम अद्भुत थी कि विश्व के शिल्पियों के परम गुरु विश्वकर्मा ने भी कभी स्वप्न में भी नहीं देखी थी। फिर उसके भी द्वारा स्वयं ऐसी ही रचना करना तो बहुत ही दूर की बात है। उस लोक में परम दिव्य सैकड़ों ही सरोवर थे, जिनके घाट और सीढ़ियां तथा संपूर्ण प्राकार मंडल पद्मराग नाम वाली मणियों के द्वारा भी निर्मित था। इन सब सरोवरों से वह लोक परमाधिक शोभा से समन्वित था। वह लोक मणियों के द्वारा निर्मित अनेक वेदियों से बहुत ही अधिक सुरम्य एवं शोभित था। इसके चारों ओर सुवर्ण का प्राकार बना हुआ था। यह लोक बहुत ही ऊंचा था, जो कि अंतरिक्ष का स्पर्श कर रहा था, तथा वह इतना अधिक स्वच्छ एवं शुभ्र था कि क्षीर के ही समान दिखाई दे रहा था। इस लोक में चार परम विशाल द्वार बने हुए थे, जिनका निर्माण मणियों की वेदियों से किया गया था। इसमें ऊपर चढ़ने के लिए रत्नों के द्वारा विनिर्मित सोपानों की श्रेणियां थी, और इसमें जो स्तंभ तथा कपाट बने हुए थे वे भी सब रत्नों के थे। इस लोक में जो भी रचना की थी वह अनेक प्रकार की चित्र विचित्र थी तथा परम मनोहर थी, जिससे यह लोक परम शोभित हो रहा था। उस लोक के मध्य में सिद्धों के द्वारा उपशोभित एक सुरम्य भवन बना हुआ था। उस धर्मात्मा राम ने वहां पर पहुंचकर उसकी एक विचित्र स्थल के ही समान देखा था। वहां पर उस राम ने देखा था कि अतीव भयंकर दो द्वारपाल स्थित थे, जिनके महान कराल मुख और दांत थे तथा बहुत ही विकृत लाल नेत्र थे। वे द्वारपाल ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे दग्ध पर्वत हों। वे महान बल और विक्रम से समन्वित थे। उनके शरीरों में विभूति लगी हुई थी, जिससे उनका अंग विभूषित था, और वे व्याघ्र के चर्मों के वस्त्र धारण किए हुए थे। वे दोनों द्वारपाल त्रिशूल और पट्टिश धारण करने वाले थे तथा ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान हो रहे थे। उनको देखकर राम अपने मन में भय से भीत हो गया था, बहुत ही विनीत होकर उनसे कुछ बोला था। राम ने कहा, ईश, आप दोनों की सेवा में मेरा प्रणाम स्वीकृत होवे। मैं इस समय में भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त करने के लिए ही यहाँ पर समागत हुआ हूँ। अब भगवान ईश्वर की आज्ञा प्राप्त करके मुझे दर्शन करने के लिए आदेश प्रदान करने को आप योग्य होते हैं। उन ईश्वर के दोनों अनुचरों ने राम के वचनों का श्रवण करके और फिर शिव की आज्ञा को प्राप्त करके राम को अंदर प्रवेश करने के लिए उन्होंने आज्ञा दे दी थी। उस राम ने भी उनकी आज्ञा प्राप्त करके बड़े ही हर्ष के साथ उस अंतःपुर में प्रवेश किया था। वहां पर उसने एक सभा का स्थल देखा था, जो इस द्विज ने सिद्धों के समुदाय से समाकीर्ण देखा था, और जिसमें अनेक प्रकार की बड़ी ही सुंदर सुगंध भरी हुई थी तथा वह बहुत ही सुरम्य था। इस सभा स्थल का अवलोकन करके बड़ा ही विस्मय हो गया था। वहां पर फिर उस राम ने परम शांत तीन नेत्र के धारण करने और मस्तक में चंद्र को धारण किए हुए भगवान शिव का दर्शन किया था। भगवान शंकर के कर में त्रिशूल शोभित हो रहा था और वे व्याघ्र के चर्म को वस्त्र के स्थान में पहने हुए थे। उनके संपूर्ण अंगों में शमशान की भस्म लगी हुई थी और उनका शरीर नागों के यज्ञोपवीत से शोभित था। प्रभु शंकर अपनी ही आत्मा में रमण करने वाले थे, पूर्ण काम थे और उनकी सभी कामनाएं परिपूर्ण थी, और करोड़ों सूर्यों के समान परमोज्ज्वल प्रभा थी। वे पांच मुखों वाले, दस भुजाओं से शोभित और अपने भक्तों पर परमाधिक अनुग्रह करने वाले थे। उस समय में शिव सिद्धों के लिए तर्क की मुद्रा के द्वारा योग और ज्ञान का विषय बतला रहे थे। बड़े बड़े योगिंद्र और प्रथमगण बड़े ही आनंद के साथ उनका स्तवन कर रहे थे। भगवान शिव को भैरव, योगिनियां और रुद्र के गणों ने चारों ओर से घेर रखा था। ऐसी दशा में विराजमान हुए भगवान शिव का दर्शन करके राम ने बड़े ही हर्ष से अपने सिर को उनके चरणों में झुकाकर प्रणाम किया था। उनके वाम भाग में स्वामी कार्तिकेय थे और दाहिनी और गणनायक गणेश विराजमान थे तथा उनके सामने नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र स्थित हो रहे थे। शिव की गोद में 100 भुजाओं वाली जगत जननी दुर्गा विद्यमान थी। इनका दर्शन करके राम ने उनको भी प्रणाम किया था। इसके अनंतर विद्वान राम ने अपनी गदगद वाणी से उन विभु की स्तुति करने का उपक्रम किया था। राम ने कहा था, मैं ईशान, विभु, व्यापक, अव्यय, भुजंगों के भूषणों वाले, उग्र और नरों के कपालों की माला के धारण करने से
परम उज्जवल शिव की सेवा में प्रणाम करता हूँ, जो विभू समस्त लोकों को सृष्टि स्थिति और विनाश के करने वाले हैं। ऐसे ब्रह्मा आदि के स्वरूप को धारण करने वाले सबसे बड़े उन आप कृपा के सागर को मैं जानता हूँ, जिन मन और वाणी के अगोचर प्रभु की स्तुति करने में वेद भी समर्थ नहीं है, उन ज्ञान और बुद्धि के द्वारा साधन के अयोग्य तथा बिना आकार वाले प्रभु शिव के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। महेंद्र आदि देवगण, ऋषिगण, मनु और असुर, ये सब जिनके स्वरूप का यथार्थ रूप से नहीं जाना करते हैं, उन पर से भी पर प्रभु शिव के लिए मैं प्रणिपात करता हूँ। जिन पूज्य देव के अंशों को भी अंशों के द्वारा चर और अचर समस्त लोग सृजित हुआ करते हैं और फिर जिसमें ही ये सब लोग लीन हो जाया करते हैं, उन जगन में प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन प्रभु के बहुत ही अल्प कोप से समुत्पन्न हुआ अग्नि उधर्वलोक और पाताल के सहित संपूर्ण इस विश्व को दग्ध कर देता है, उन हर की सेवा में जो पर है मैं प्रणाम करता हूँ। जिसकी पृथ्वी पवन अग्नि जल नभ यज्वा चंद्र और भास्कर में 8 मूर्तियां जगत की पूज्य हैं, उन यज्ञ स्वरूप देव को मैं नमस्कार करता हूँ, जो काल के स्वरूप वाले इस संपूर्ण जगत के आदि करने वाले अर्थात सृष्टा हैं, इसका पालन करने वाले हैं और अपना यह जगन्मय रूप धारण किया करते हैं, फिर रुद्र का स्वरूप धारण करके अंत में इस सब का संहार करने वाले हैं, उन काल के रूप वाले भगवान शंकर की मैं शरणागति में प्राप्त होता हूँ। वे भार्गव राम इस रीति से इतना ही स्तवन करके बड़े ही आनंद से उन शिव के चरणों के समीप परमाधिक आतुर होकर गिर पड़ा था, तब कृपा के सागर भगवान शंकर ने अपने बाएं कर कमल से लीला से ही उसको उठाकर उसके मस्तक पर अपना कर रख दिया था। उनके आशीर्वचनों के द्वारा उसका अभिनंदन करके बड़े ही आदर के साथ अपने प्रिय आत्मज गणेश के आगे उसको बिठा दिया था। फिर अपनी वामा उमा का अभिवीक्षण करके समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाले शिव ने कृपार्द्र दृष्टि से उससे कहा था। शिव ने कहा, हे वटो, आप ये बताइए कि आप कौन हैं और किसके वंश में आपने जन्म ग्रहण किया है और आप किस कार्य के कराने का उद्देश्य लेकर यहाँ पर समागत हुए हैं, ये सभी कुछ सूचित कीजिए। मैं आपकी इस प्रकार की भक्ति की भावना से आपके ऊपर परम प्रसन्न हो गया हूँ तथा जो भी कुछ आपके मन का अभिप्सित है उस सबको मैं आपके लिए दे दूंगा। जब इस रीति से वे भृगु कुलोद्भुत राम संपूर्ण विश्व की आरती के हरण करने वाले महात्मा शंभु के द्वारा बड़े ही आदर के साथ कहा गया था, तब तो उन देवों के स्वामी और कृपा के सागर गुरु की सेवा में उस राम ने फिर एक बार प्रणाम करके बहुत ही शीघ्र निवेदन किया था। परशुराम ने कहा, हे भगवान, मैं भृगु मुनि के कुल में समुत्पन्न हुआ हूँ और हे विभो, जमदग्नि ऋषि का पुत्र हूँ। मेरा नाम छोटा सा राम यह है। आप तो समस्त जगत की वंदना करने के योग्य हैं। मैं ऐसे समय में आपकी शरणागति में प्रपन्न हुआ हूँ। हे नाथ, जिस कार्य के लिए मैं आपकी सन्निधि में समागत हुआ हूँ, हे विश्वेश्वर, उसको आप कृपा कर प्रसादित कीजिए और मेरी कामना है कि अब आप मेरा वांछित जो भी है उसे मुझे प्रदान कीजिए। मेरे पिता जमदग्नि ने, हे देव, मृग्य के लिए वन में आए हुए राजा कार्तवीर्य का बहुत अच्छी तरह से आतिथ्य सत्कार किया था। उस महानंद मति वाले राजा ने लोभ के वशीभूत होकर बलपूर्वक मेरे पिता को मार डाला था, जो एक धेनु थी जिसके ग्रहण करने का लालच राजा के मन में हो गया था। वह होम धेनु भी मेरे पिता को मरा हुआ देखकर गोलोक में चली गई थी। राजा ने निरपराध मेरे पिता की मृत्यु के विषय में कुछ भी चिंता नहीं की थी और फिर वह अपने नगर में चला गया था। इसके पीछे मेरी माता रेणुका अत्यंत रुदन कर रही थी। इस घटना का ज्ञान प्राप्त करके लोक के वृत्त के ज्ञाता हमारे पितामह भृगु मुनि, हे महादेव, वहां पर आ गए थे। मैं समिधा लेने के लिए उस समय में वन में गया हुआ था, सो मैं भी इस बीच में वहां पर समागत हो गया था। उस समय में मैं रुदन कर रहा था और अपनी माता के साथ मेरे सब भाई भी क्रंदन कर रहे थे। उस मंत्र शास्त्र के ज्ञाता मुनि ने सबको सांत्वना देकर मेरे मृत पिता जमदग्नि को संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया था। जब तक भृगु मुनि वहां पर नहीं आए थे, उस बीच में मैं माता के वैधव्य के दुख से बहुत ही कुपित हो गया था। हे देव, मैंने अपनी माता को सांत्वना देते हुए एक प्रतिज्ञा कर डाली थी। मेरी माता ने करुण क्रंदन करते हुए जो 21 बार अपना उरस्थल ताड़ित किया था, उसी गणना को लेकर ही मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि 21 बार ही मैं इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। यह इस रीति से की हुई मेरी प्रतिज्ञा परिपूर्ण हो जाए, इसके पूर्ण करने वाले जगत के पति देवेश्वर आप ही हैं। आप तो सबसे बड़े देव हैं। हे नाथ,
इसलिए मैं अब आपके चरणों की सन्निधि में यहाँ पर आया हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान शंकर ने इस प्रकार से उस राम के वचनों का श्रवण करके जब जननी दुर्गा के मुख की ओर देखा था और उस समय में एक क्षण के लिए नीचे की ओर अपना मुख करके चिंतन करने वाले प्रभु शंकर हो गए थे। इसी अंतर में जगदम्बा देवी दुर्गा विस्मित होती हुई अत्यधिक हंस गई थी और हे महाराज, बैर के साधक उस भार्गव राम से बोली, जगदम्बा ने कहा था कि हे तपस्विन द्विज के पुत्र, क्या तुम इस भूमंडल को भूपों से विहीन करने की इच्छा कर रहे हो, और वह भी एक दो बार नहीं प्रत्युत कोप से 21 बार ऐसा करना चाहते हो। हे वटो, यह तो आपका एक बहुत ही महान साहस है। उस राजा सहस्त्र अर्जुन का बिना ही शस्त्रों वाले होते हुए तुम हनन करने की इच्छा कर रहे हो, जिसने अपनी भ्रू भंग की लीला से अर्थात जरा सी भ्रिकुटी तिरछी करके रावण जैसे महाप्रक्रमी को भी निराधृत कर दिया था, अर्थात अपने सामने निराधृत करके भगा दिया था। उस राजा को तो पहले दत्तात्रेय मुनि ने श्री हरि का कवच प्रदान किया था और अत्यंत वीर्य से समन्वित एक शक्ति भी उसके लिए दी थी। उसको तुम किस प्रकार से मार देना चाहते हो? भगवान शंकर तो करुणा के अथाह सागर हैं और करुणा से ही सिद्ध हो जाते हैं। यह विभु तो परम समर्थ है, सभी कुछ अन्यथा भी कर सकते हैं। हे पुत्र, भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस कार्य के करने में समर्थ नहीं है। इसके अनंतर देवी के इन वचनों से दया के सागर भगवान शंभु ने दुर्गा देवी की भी अनुमति प्राप्त कर ली थी और फिर विभु शंभु ने जमदग्नि के पुत्र से परम भद्रवाणी के द्वारा कहा था। भगवान शिव ने कहा, हे विप्र, आज से लेकर तुम मेरे पुत्र कार्तिकेय के समान हो जाओगे। हे महान मति वाले, मैं आपको परम दिव्य मंत्र और कवच दे दूंगा। यों ही बिना ही किसी आयास के लीला ही से जिनके प्रसाद के प्रभाव से आप कार्तवीर्य का हनन कर दोगे और जैसी तुम्हारी प्रतिज्ञा है वह भी पूर्ण होगी और 21 बार इस पृथ्वी को भी भूपों से रहित तुम कर दोगे। इतना यह इस रीति से कहकर भगवान शंभु ने उस परशुराम के लिए सुदुर्लभ मंत्र प्रदान कर दिया था और तीनों लोकों का विजय करने वाला परम अद्भुत कवच भी उसे दे दिया था। नागपाश, पाशुपात और सुदुर्लभ ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, आग्नेय, वायव्य, वारुण अस्त्र भी दिए थे। गांधर्व, गारुड़ और परम अद्भुत जृंभणा भी प्रदृत किया था तथा गदा, शक्ति, शूल, उत्तम दंड उसको दे दिया था। इस तरह संपूर्ण शस्त्रों और अस्त्रों के समूह को पाकर राम बहुत ही प्रसन्न हुआ था। फिर उस परशुराम ने परम शांत शिव को, दुर्गा देवी को, स्वामी कार्तिकेय को और गणेश्वर की सेवा में प्रणिपात करके तथा इन सब की परिक्रमा करके फिर वह राम परमोत्तम तीर्थ पुष्कर को वहां से चला गया था और वहां पर संस्थिति करते हुए भगवान शिव के द्वारा बताए हुए उत्तम मंत्र को और कवच को सिद्ध किया था। फिर भृगुनंदन ने बड़े ही आनंद से संपूर्ण कुल और सेना के सहित राजा कार्तवीर्य का निहनन करके अपना पूर्ण कार्य साधित किया था। फिर वह राग अपने पिता के घर को विनिवृत्त होकर चला गया था। मृग मृगी कथा। राजा सगर ने कहा, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, आप तो महान भाग वाले हैं। मेरे ऊपर आपने बड़ा भारी अनुग्रह किया है कि यह कवच जो कि अनामय है मेरे सामने आपने प्रकाशित कर दिया है। कृतास्त्र में औरव के द्वारा अनुग्रहित हुआ हूँ। हे विभो, इस समय में तो मैं आपकी कृपा का पात्र बन गया हूँ। हे गुरुदेव, भार्गवेंद्र परशुराम ने राजा कार्तवीर्य को जो बड़ा ही वीर था जिस प्रकार से समाप्त किया था वह सब विस्तार के साथ मेरे सामने वर्णन करके सुनाइए। वह राजा तो दत्तात्रेय मुनि की कृपा का पात्र था और राम भगवान शिव की अनुकंपा का भाजन था। हे गुरुवर, ये दोनों ही महान वीर थे। समर क्षेत्र में किस प्रकार से इन्होंने युद्ध किया था? वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अब आप श्रवण कीजिए, मैं इस चरित को बतलाऊंगा क्योंकि यह चरित तो पापों का विनाश कर देने वाला है। यह चरित महान बलशाली राजा कार्तवीर्य का तथा महान आत्मा वाले परशुराम के महायुद्ध का है। उन परशुराम ने गुरुदेव के मुख से इस कवच और मंत्र की ही दीक्षा ग्रहण की थी। फिर उन परशुराम ने बड़ी भारी भक्ति से युक्त होकर इनको सिद्ध किया था। भूमि पर इन्होंने शयन किया था, तीनों कालों में संध्योपासना की थी और यह स्नान तथा संध्या में प्रायण हो गए थे। इस प्रकार में यह सब साधना करते हुए राम बहुत ही समाहित होकर 100 वर्ष तक पुष्कर में रहे थे, अर्थात पुष्कर क्षेत्र में ही निवास किया था। हे भूप
अकृत व्रण प्रतिदिन उस भृगु वंशज परशुराम के लिए वन से समिधा, पुष्प और कुशा आदि द्रव्यों को लाकर दिया करता था। मतिमानों में परम श्रेष्ठ परशुराम निरंतर ध्यान में संलग्न होकर समस्त क्लमशों के विनाश करने वाले विभू श्री कृष्ण की आराधना किया करता था। हे जगतीपते, इस रीति से यजन करते हुए और वहां पर नित्य ही ध्यान में से सक्त रहने वाले परशुराम को 100 वर्ष व्यतीत हो गए थे। हे महाराज, एक बार वह महान राम स्नान करने के लिए मध्यम पुष्कर में गया था और वहां पर उसने उत्तम आश्चर्य का अवलोकन किया था। एक मृग मृगी के साथ दौड़ा हुआ वहां पर आया था, जो एक व्याद की मृग्या को प्राप्त हो रहा था तथा धान से संतिप्त होकर अत्यंत पीड़ित था। हे महाभाग, बहुत ही प्यासा था और जलपान करने के लिए बड़ा ही उत्सुक हो रहा था। परशुराम उसको देख रहे थे कि वहां पर उस सरोवर के तट पर समागत हो गया था। इसके पीछे पीछे मृगी भी वहां पर आ गई थी, जो बहुत ही डरी हुई थी और उसके नेत्र चकित हो रहे थे। वे दोनों ही बहुत शंकित मन वाले होते हुए वहां पर जलपान कर रहे थे। उसी समय में धनुष धारण किए हुए, हाथ में बाण ग्रहण कर वहां पर व्याद भी आ गया था। उस व्याद ने वहां पर विराजमान परशुराम को देखा था। उस राम ही समीप में अकृत व्रण भी बैठा हुआ था। वह व्याद दूर तक अपनी दृष्टि डाले हुए वहीं पर ठहर गया था और उस व्याद का मन भृगुनंदन राम से उस समय में शंकित हो गया था और विचार किया था, यह परशुराम तो महान वीर है और दुष्टों का विनाश कर देने वाला है। अब मैं इसके देखते हुए इन दोनों शिकार वाले मृगी और मृग का हनन करूं। हे राजन्यों में परम श्रेष्ठ, वे व्याद इस प्रकार से चिंता में डूबा हुआ परशुराम के भय से संतृष्ट मन वाला होकर वहीं पर स्थित हो गया था। परशुराम ने उन दोनों मृगों को देखा था कि बड़े ही भय के साथ वहां पर जल पी रहे थे। उस मेधावी राम ने मन में विचार किया था कि यहाँ पर इनके लिए भय होने का क्या कारण है। यहाँ पर किसी व्याघ्र की गर्जना की ध्वनि भी नहीं है और न यहाँ पर कोई व्याध ही दिखाई दे रहा है। फिर किस कारण से ये दोनों मृग शंकित नेत्रों वाले तथा चकित दृष्टि से युक्त हो रहे हैं? ये बड़े आश्चर्य की बात है, अथवा यही कारण हो सकता है कि इन मृगों की जाति ही स्वाभाविक रूप से चकित नेत्रों वाली हुआ करती है। इस कारण से ही ये दोनों जलपान करने में भी चकित नेत्रों वाले होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर इतना ही कारण नहीं है, किंतु ये दोनों तो बड़े खेद और भय से आतुर हो रहे हैं, ऐसा ही दिखलाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके सभी अंग खिन्नता से संयुक्त हैं और ये दोनों ही कंप से प्रकंपित हो रहे हैं। इस तरह से चिंतन करके मतिमान वह परशुराम मध्य पुष्कर में संस्थित हो गया था और उसके साथ में शिष्य भी था। वह राम जब तक वहां खड़ा रहा था, तब तक वे दोनों मृग भी वहां पर संस्थित रहे थे। जलपान करके वे दोनों मृग एक वृक्ष की छाया का आश्रय ग्रहण करके बैठ गए थे। उस महान आत्मा वाले परशुराम का दर्शन करके उन दोनों ने बड़े ही आनंद के साथ आपस में बातचीत की थी। मृगी ने मृग से कहा, हे कांत, हम दोनों यहाँ पर स्थित रहेंगे जब तक ये परशुराम यहाँ पर संस्थित रहते हैं। इस वीर के समीप में हम दोनों को कोई भय नहीं होगा। यदि यहाँ पर भी व्याद आकर रूप दोनों पर प्रहार करेगा तो इस मुनि के द्वारा केवल देखने से ही वह भस्मीभूत हो जाएगा। परशुराम के दर्शन करने से परम संतुष्ट भृगी के द्वारा इस प्रकार से यह वचन कहने पर वह मृग भी बड़े ही हर्ष से समाविष्ट होकर अपनी प्रिया से बोला था, हे महाभागे, यह बात तो इसी प्रकार की ही है। हे भामिनी, आप यह बात निश्चित ही कह रही हैं। मैं भी परम महान आत्मा वाले राम के प्रभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ।